सुनिए, टिफिन रेडी हो गया। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए ना, मैं लेकर आती हूँ। नहीं दे दो, टाइम हो गया है, इधर ही खा लेता हूँ मैं। श्रवण, ए श्रवण, जल्दी आ। श्रवण जल्दी आ, तुझे हाथों से खिलाना पड़ेगा क्या? क्यों उसके नाम की नीलामी कर रही हो? अरे आप भी ना, कॉलेज का टाइम हो गया है, आप भी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है रुको, मैं बुलाता हूँ। हाँ हाँ, आवाज देने पर तो आता नहीं है और नहीं बुलाने पर आ जाएगा। देखा आपने, कब से बुला रही हूँ पर आया नहीं, और मोबाइल पर मैसेज आया तो फटाक से आ गया। ए, आजकल के लड़कों को माँ बाप से ज्यादा मोबाइल की चिंता रहती है। मम्मी क्यों बुलाया मम्मी? हाँ मोबाइल पर मैसेज भेजती हूँ, पढ़कर समझ जाना। ए बेटा, तेरा भाई कहाँ है? वो छत पर है पापा। उसे बुलाओ, उसे खाने की दावत दूँ क्या? ठीक है पापा। क्यों जी, छोटे और बड़े बेटे में इतना भेदभाव क्यों? हाँ ये छोटा घर में क्रिमिनल का काम करता है। हाँ ये भी समझ गई ना। ए क्या शिशु, यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चुप कर, बैठ ना। साथ में एक असिस्टेंट भी है, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? अच्छा, हमारी जो लाडली है उसका नाम क्या रखा है? कन्नड़ में सरोजा देवी। रखना है तो कोई अच्छा नाम रखिए ना, ये पुराने नाम क्यों रखते रहते हैं? जैसे कि विजय, अजय, नयनतारा, ये सारे नाम रख सकते हैं ना। उनका बड़ा बेटा बिल्कुल विजय जैसा दिखता है। कुछ लोगों को बचपन में ये सब मन में कैद हो जाता है, उसी की यादों में रखे। अच्छा ठीक है, बात जवान तक आ गई है तो उसे दबा क्यों रही हो, बोलो ना। नहीं, घर पर सब लोगों के निकनेम रखे हैं, तो मेरे लिए भी एक रख दीजिए ना, उसी नाम से बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हारा क्या? पारामुनी अम्मा। क्या पारामुनी अम्मा? क्यों, टेनी कुंजारम रखना चाहिए था ना। हाँ वो नाम तेरी बहन ने रखा है ना। मेरी बहन का? हाँ हाँ जी, हमेशा मेरे परिवार को नीचा दिखाने की जानती रहते हैं। बात मजाक मजाक में शुरू हुई और सीरियस हो गई। मैं मजाक में बोलता हूँ और तुम सीरियस हो जाती हो। सुनो, हमेशा से तुम मेरी रानी ही रही हो। आ जाइए। कुछ भी कहते रहते, ये रानी कौन है? वो शायद एमी जैक्सन की बहन होगी, रहने दो। सब्जी वाली, प्रभु बेटा प्रभु, अरे जाके सब्जी ले ले थोड़ा। ये आखिर कर क्या रहा? ओ, पानी चला गया, ये कैसे? सब्जी वाली, पालक है क्या? हर सब्जी है मेरे पास, मैं टोकरी नीचे रखती हूँ, खुद ही देख लो। डैडी, पालक साफ है ना? जैसे मैं साफ सुथरी हूँ ना, वैसी मेरी सब्जियाँ भी साफ सुथरी हैं। एक का कितना हुआ? 10 रुपए। ओके नॉट बैड, ये लो। थैंक यू। अरे अरे सुनो, तुम तो ऐसे ही चले जा रहे हो, टोकरी सर से नीचे उतार तो दी लेकिन वापस रखेगा कौन? मुझे लगा ट्यूब नीचे रखेगा, इसने तो पैरों के बीच में रख दिया। ए चालू कर, चालू कर। ए, 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 अरे ये चालू हो गया, कैसे चालू हो गया पता नहीं, पानी को रोको, ए, रोको। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा अपने आप चालू हो गया। ये तुमने क्या कर दिया? हाँ मैं यहाँ पूरी तरह से भीग कर खड़ी हूँ और तुम ऐसे चले जा रहे हो, बताओ। खुला हुआ था लेकिन पानी नहीं आ रहा था, अचानक पानी कैसे आ गया पता ही नहीं चला। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? देखो तो सही, मेरी सब्जियों का क्या हाल कर दिया है तुमने। तो फिर अब तुम्हें एक काम करना होगा, या तो मेरी पूरी सब्जी तुम बेचोगे या फिर इसके पूरे पैसे तुम दोगे, तब तक मैं ऐसे हिलूंगी नहीं, समझ गए ना बेवकूफ। अच्छा हुआ पापा ने देखा। मम्मी पहले ही लेट हो चुका हूँ, और कितना टाइम लगेगा? हो गया बेटा, एक ही चोटी बांधनी है, बस बांध देती हूँ। सीधी नहीं बैठ सकती क्या? अच्छा कार्तिक, इस तेल से बाल बढ़ जाते हैं, ये बात सच है क्या बेटा? पता नहीं। अरे बेवकूफ कहीं की, वो बाल बढ़ाने वाला तेल नहीं है, कोई और ही तेल है। सिर्फ टीवी पर खाना बनाना मत सीखो, बीच बीच में एड आते हैं उन्हें भी देखा करो, तभी समझ में आएगा। सुबह सुबह दरवाजे पर बैठ कर बकती रहती हो। ठीक है जाकर आइए। लेस खुला हुआ है, बांधना। हाँ, कॉलेज जाने के लिए तेरा भाई कैसे तड़प रहा है, जरा देख तो इसे। हाँ, आंटी जल्दी चल रहा हूँ। आंटी हाँ? आपको पालक चाहिए क्या? ये पालक क्यों बेच रहा है? अब घर पर ही रखो ना प्रभु, मैं आकर देख लूंगी। थैंक यू। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हंस क्या रहे हो, चलो निकलो जाओ।
इन लोगों को तैयार करके भेजने नहीं, थक जाती हूँ मैं। अनन्या दीदी, आपको पालक चाहिए क्या? ले तो लूंगी, लेकिन 2000 के छुट्टे हैं। नहीं दीदी, सॉरी दीदी। आंटी, पालक है, एकदम फ्रेश है। नहीं चाहिए, जा। इट्स ओके। ए सब्जी बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला। रुको तुम। अरे सुन, गाड़ी रुके बिना चल रही है ना, फिर समय पे भाड़ा क्यों नहीं भरता है तू? बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए भाड़े के पैसे से दवा लेनी पड़ी। छोटी सी बात के लिए तूने भाड़े के पैसे खर्च कर दिए, और बीमारी बढ़ गई तो और क्या करेगा? अब क्या गाड़ी बेच देगा? नहीं भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, एक दो दिन में पूरे पैसे भर दूंगा। ये सब नहीं, तू गाड़ी की चाबी रख और निकल यहाँ से, ये सब तेरे बस की नहीं। नहीं भैया, भैया तू किसी और की गाड़ी चला जाकर यहाँ से निकल। किसी और से काम मांगने जाऊंगा ना तो वो हजार सवाल पूछेंगे, काम आसानी से नहीं मिलता भैया। और क्या, पूछने वाले तुमसे तो पूछेंगे ही। सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ और अचानक आप ऐसे निकाल दे रहे हैं। तूने कितने साल काम किया ये जरूरी नहीं, तूने कैसा काम किया ये जरूरी है। भैया अचानक नौकरी छूट जाएगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? हाँ ठीक है सर। ए, सिर्फ तेरे ही बीवी बच्चे हैं क्या? मेरे बीवी बच्चे नहीं है? अगर मैं इसी तरह सब पे रहम करता रहूंगा ना तो मुझे सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। ए, तू क्या तमाशा देख रहा है? इसे चाबी लेकर बाहर भेजो। ए, चल जाओ जाओ, खड़े होकर तमाशा देखता है, ये काम भी ढंग से नहीं होता है। चलता हूँ। तिरुपति। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर, वो भाड़े का पैसा। हाँ राम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या तिरुपति, भाड़े के पैसे में हजार रुपया कम सर, है? गाड़ी में थोड़ा खर्चा आ गया था। अभी अभी मैंने उसकी क्लास ली थी, तुम्हारी भी क्लास लू क्या? नहीं सर, कल भाड़े के सारे पैसे दे दूंगा। चलता हूँ सर। ए, तू चलान को देख। ठीक है। हेलो ए जी, सुनो ना। हाँ बोलो ना। कहाँ हो? ट्रैवल ऑफिस पर। खाना भेजूं क्या? ट्रैवल ऑफिस पर नहीं, यहाँ मत भेजना, मैं घर ही आ रहा हूँ। अरे छोड़ ना यार, उसके बारे में पता है ना तुझे, एक डॉक्टर के घर पे एक ड्राइवर की जरूरत है, मैं उनसे बात करके बताता हूँ। हाँ अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, ले लो नहीं यार। अरे रखना, तू बहन से हिम्मत करना कि तेरी नौकरी चली गई वरना तकलीफ होगी। हाँ गाड़ी को रिपेयर कर लेना, हाँ बाकी सब बाद में देखेंगे। चलो चाय पीते। बहुत बहुत शुक्रिया तिरुपति। चलो ना, अपनी परेशानी को अंदर ही रखना, बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? उन्हें पता चलेगा तो पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। मैं डॉक्टर से बात करके तुम्हें बताता हूँ। चलो शुरू करो। अरे उस तो देखो, अरे क्या कर रहे हो? शुरू करो। सर ये यहीं का आदमी है, छोड़ दीजिए, उसे गाड़ी में चढ़ाओ। ओके सर। अरे क्या कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं सर? सर 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 सर, एसपी साहब बुला रहे हैं। रुक रहे, आता हूँ। अरे बहुत दर्द हो रहा है। ए, चल चल उठो उठो। ज्यादा लगी क्या हो रहा है? छोटी इंक्वायरी है सर। तुम्हें ज्यादा लगी तो पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके ओके सर। ए, जो यहाँ थे कहाँ गए? वो तो ऑटो में चले गए सर। ऑटो में चले गए, हाथ में आएंगे तो टुकड़े कर दूंगा। भाई भेजा है क्या? अभी नहीं है, जब होगा तो फोन कर दूंगा, जाओ। ठीक है भाई। क्यों बेटा बहुत हंस रहे हो?
कुछ नहीं भाई, उसने पूछा कि भेजा है कि नहीं। आप बिना गुस्से किए जवाब दे रहे हो। इस धंधे में सब कुछ चलता है। पापा कैसे हैं? अच्छा है। ठीक है, चिकन या मटन? मटन भाई। एक या दो? आधा किलो बहुत है भाई। क्यों बेटा इतना कम? क्योंकि मछली लेने के लिए पापा गए हैं। ठीक है, बच्चों के लिए कलेजी निकालो। ये लीजिए। मटन अलग से लेने के लिए बोला था। बोला तो था भाई। बहुत जोर से भूख लगी भाई, कुछ तो दे दो खाने को, कुछ दे दो भाई। सही सलामत है ना? हाँ भाई। तो भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? तो रोड पे हाथ नहीं फैलाऊं तो क्या मॉल में जाकर हाथ फैलाऊं? अरे दिक्कत में हूँ इसीलिए तो मांग रहा हूँ। तुम्हारी कोई समस्या होगी? क्या कहानी है बताओ। बात पूछो भाई। दो लड़कों को शेर की तरह पाला मैंने। बहुत कमाते हैं वो दोनों, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं देते। जहाँ भी जाता हूँ इसी तरह गालियाँ मिलती है भाई। क्या करूँ तुम ही बताओ ना। इसको बोलना है। बड़ा लड़का क्या करता है? बड़ा लड़का समापुरम मंदिर में भीख मांगता है। छोटा? अरे वो बगल के गणेश मंदिर में मांगता है। जरा यहाँ आना भाई। तुमने उनको कौन से स्कूल में पढ़ाया जो आईएएस आईपीएस बनकर पैसे कमाते? तू कहता है वो तेरा ध्यान नहीं रखते, रोड पर घूम घूम कर उनकी शिकायत कर रहा है। क्यों रे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में भिखारी बनाकर तुझे गर्व हो रहा है? सुन ले, अगर तू आज के बाद हमारे एरिया में कहीं दिखा तो तेरी मुंडी यहाँ रख कर तेरा भेजा निकाल कर भेज दूंगा। चल आ गया से। भाई तुम्हें जलन हो रही है, समझा? बच्चों का मटन कहाँ है? रेडी करता हूं। तो लाओ ना भाई। ये लो बेटा। हाँ एक मिनट। मेरी बहन कलेजी मांगेगी इसीलिए डाल देता हूँ। ये लो। धन्यवाद भाई। पापा से कहना मैं याद कर रहा था। संभल कर जाना, लगता है बहुत भूखा है। लगता है बहुत बड़ा शिकारी, तभी कुत्ते के साथ घूम रहा है। डॉग को साथ में रखकर बहुत बिल्डअप दे रहा है। आज पता चलेगा, इन्हें छोड़ना मत। उर्सली। अरे अरे चल चल भाग भाग दिया, जल्दी भाग भाग भाग, जल्दी कर, अरे रुक ना, जल्दी भाग, जल्दी कर। अरे लगता है हमारा पीछा नहीं रहे। चल चल भाग, पीछे पड़ गया, जल्दी कर, निकाल, जल्दी भाग, अरे हटो। अरे नाथ पीटा। ओह माय गॉड। बच गए। ए, उसने ये क्या कर दिया? अरे यार ये कुत्ता तो सामने ही बैठा है। चल निकलते हैं यहाँ से। चल चल भाग यहाँ से। चल 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 जल्दी भाग। चल 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 पीछे ही है। अरे भागना। अबर इसमें दौड़ है। अरे अरे अंदर ले तो। चल चल जल्दी कर। चल चल अरे जल्दी चला ना, क्या कर रहा है? अरे जल्दी चला भाई। करके भी तूफान से तेज चला रहा हूँ, एकदम टाइट से पकड़ लेना मुझे। क्या टाइट पकड़ू, साइकिल की चैन तो उतरी हुई है, देखना। क्या साइकिल की चैन उतर गई? ए चल चल भागो, ए चल। अरे यार अरे ए मटन इधर ला। कैच। एक पीस के लिए इसने हमें इतना दौड़ाया, पता होता तो पहले ही दे देते। एक गया तो दूसरा गया, क्या बकवास है। क्या रे, मुझे अकड़ दिखा रहे थे ना? देखना एक ना एक दिन ये मेरे हाथों से बहुत मार खाएगा। ए देख उसने बनाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी नोट में लिख क्या क्या चाहिए। जल्दी लिख बता रही है। हमेशा बस नोट करो यही कहती रहती हो। कभी एक दिन भी हमें इसे बनाकर भी खिलाया है क्या? अपने पापा से कहे कि मुझे गैस चूल्हा ला कर दे दे, उसके बाद देखना मैं क्या क्या बनाती हूँ। आपको तो बस इडली उपमा वड़ा पाव ही बनाना आता है, और कुछ नया बनाती ही नहीं हूँ। ठीक है बेटा, नाराज मत होना। देख खत्म भी हो गया। सब लोग मुझ पर गुस्सा ही होते रहते हैं, कोई बात ही नहीं करता। अब क्या करूँ मैं, फिर से कहूंगी तो नाराज हो जाएगी। ये भी पढ़ाई कर रहा है, इसे क्या हुआ? ये क्या सोच में डूबा हुआ है? बेटा कार्तिक फ्रिज के पास कांदा रखा है, बेटा जरा लेकर आना प्लीज। कार्तिक। ए ए कार्तिक। क्या हुआ माँ, बोलिए ना। हाँ चिल्ला रही हूँ कब से, इतना क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं माँ। अच्छा माँ सुनो। हाँ? ना अगर मैं इतिहास में जगह बना लूँ तो आप खुश होंगी ना? मेरा बेटा इतिहास में जगह बनाएगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, पर पहले जाकर अपने कॉलेज में जगह बना ले। पर क्यों पूछ रहा है ये? क्या है ना माँ, मैंने बहुत सोचा है। भगत सिंह की 7 साल की उम्र में शादी हो गई। ठीक है। और तो और शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, गांधी जी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई। इन लोगों की शादी छोटी उम्र में हुई, इसीलिए इन लोगों ने इतिहास में नाम कमाया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो क्या है ना माँ, मेरी भी उम्र 16 की हो गई है, तो आप पापा से बात करो ना, वो मेरी शादी करवा दे। निकालो अभी चप्पल। शादी करने की उम्र नहीं हुई और इसे शादी करनी है। खेलने कूदने की उम्र है अभी, शादी करके कौन सा पहाड़ उखाड़ लेगा।
यहाँ तेरा बड़ा भाई बिल्कुल चुपचाप बैठा है और तुझे शादी करनी है। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। हाँ देख तेरे पापा आ गए, जाकर उनसे ही पूछ ले। अब क्या पंचायत हो रही है? आइए ये ले अंदर रखो। केले लाए हैं क्या? अच्छे से खिलाइए अपने बच्चों को, खा खा कर चर्बी आ गई है। अरे बात क्या है, साफ साफ बताओ ना। हाँ भारती जी की 7 साल की उम्र में शादी हुई, गांधी जी की 13 साल में हुई और किसी की 12 साल में हुई। उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखवाया है और हमारा श्रवण भी 16 साल का हो गया है। कह रहा है शादी कब करवाएंगे, जवाब दीजिए। देखो कार्तिक, एक व्यक्ति जो ब्रह्मचारी है उन्होंने क्या इतिहास में जगह बनाई? अपने देवानंद साहब भी ब्रह्मचारी है, उन्होंने भी इतिहास में जगह नहीं बनाई। सुन, इतिहास में जगह बनानी है तो शादी की जरूरत नहीं है, अच्छे विचार और त्याग करने का मन होना चाहिए, समझे? सुनो, ये मेरा बेटा इतिहास में कुछ करना चाहता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जैसा, आदि शंकर के जैसा, ये ब्रह्मचारी बनना चाहता है। मेरी भी यही आशा है इससे। पापा ए मम्मी के मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, मुझे याद दिलाना, ठीक है? तेरी तो वो उसी को मारे हैं। मैंने कहा था ना कि कभी ना कभी ये मेरे हाथों से मार खाएगा, पर ये अभी किसी और से मार खा रहा है। अरे यार हम इसे फंसा सकते हैं, बल्कि हम तो इसे मार भी सकते हैं, लेकिन दूसरे एरिया की लड़की से मारे ये ठीक नहीं है। हाथ छोड़ मेरा, पापा के दोस्त का लड़का है इसलिए तुम्हारी हेल्प की है मैंने। तुम्हारे साथ जो हट्टे कट्टे दोस्त रहते थे वो कहाँ गए? वो लोग मुझे मार खाते हुए देखकर भाग गए। ऐसा ही होता है, मुसीबत में केवल सच्चे दोस्त ही काम आते हैं, ना कि ऐसे लोग। वो ऐसे नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे मार खाते हुए देखकर वो भाग गए। तुमने देखा, ये हमारे सामने अभी भी स्मार्ट बन रहा है, इसलिए हम तुझे पसंद नहीं करते। पीछे हट, हे उन लोगों को वापस बुला, तभी से पता चलेगा। उन्हें वापस मत बुलाओ, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। ठीक है उन लोगों को छोड़ो। अच्छा वो लोग तुझे क्यों मार रहे थे? वो लोगों ने आकर। तू भी क्या पूछ रहा है, चुप करना। 4 लोग इसे मिलकर मार रहे थे, जरूर लड़की का मैटर होगा। कौन है वो? अबे शर्मा मत बोलना। उसका नाम शिल्पी है। उसकी मार्केट में सेलफोन की दुकान है। ए, वो सेलफोन की दुकान यही है क्या? हाँ डर लग रहा है यार। हे हिम्मत रखना, हम लोग साथ है ना। तुम तो हो लेकिन मैं। वैसे यार तूने जिसके लिए इतनी मार खाई वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है। हे स्टाफ है यार। हेलो ओनर कौन है? बाहर गई हैं। क्यों क्या चाहिए आप लोगों को? कब आएंगी पहले बताइए, उसके बाद बताऊंगी। मैडम ने लड़के भेजकर हमारे फ्रेंड को मरवाया है, उसके बारे में बात करनी है। आप लोग उनसे नहीं मिल सकते, उनकी मर्जी है, उनका कुछ पता नहीं है कब आती हैं कब जाती हैं, मैं नहीं बता सकती। वो कभी भी आए कहीं भी जाए, लेकिन उन्हें अभी यहाँ आना ही पड़ेगा। कॉल करो। क्या है यहाँ लफड़ा करने आए हो? क्या कहा लफड़ा? अरे अभी तो हमने यहाँ पे लफड़ा शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि अगर हमने लफड़ा शुरू किया ना तो पूरे दुकान का नक्शा बदल जाएगा, समझी? कुछ भी नहीं बचेगा।
वो देखो ओनर आ गई, जाके उनसे बात कर लो। जरा देखो तो। ए, सुंदर है ना? तेरी केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है यार। थैंक्स यार। हाय। शाम को घर जाते वक्त याद दिलाना पौधा लेकर जाना है। ठीक है। सेल्वी, तीनों बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, बात करो इनसे। क्या चाहिए? कह रहे थे तुमने इनके फ्रेंड को पिटवाया है। कौन चिल्ला रहा था यहाँ पर? जिसका बाल झाड़ की तरह है। हेलो, ये स्टाइल है। ए, पहले चश्मा उतार। क्यों? पहले चश्मा उतार, मुझे देखना है कि तू कहाँ देख रहा है। उतार। बढ़िया, चश्मा उतारो। तुझे क्या चाहिए? मेरे फ्रेंड को तुमने आदमी भिजवा कर पिटवाया है ना, क्यों पिटवाया है ये जानना है। कौन है फ्रेंड? ये है क्या? ये इसका तो यही काम है। एक साल से डेली दुकान पर आता है, लेकिन सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करवाता है। आज तक एक हेलो भी नहीं बोला, लेकिन पूरे शहर में हल्ला मचा रहा है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए तो गुंडों से मरवाया है इसे। हेलो नहीं बोला तो क्या हुआ, तुम गुंडे भेज के मरवाओगी? ये मेरा फ्रेंड है, गुंडे तुम्हारे पापा ने भेजे या तुम्हारे भाई ने, जल्दी बताओ। इसके जैसे मेरे पीछे कई लोग घूमते हैं, जलन के मारे किसी ने मार दिया होगा। इस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं करोगे ना? अभी मैं अपने ग्रुप को बुलाती हूँ। मुन्ना भैया। क्या बात है बेटी? शेखर भैया। क्या हुआ? अरे रुको रुको रुको, हम लोग आराम से बात कर लेते हैं, लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? रुकिए भैया, बाद में बुलाती हूँ। ठीक है? ठीक है। यही डर चाहिए। हाँ तो अब बताओ। सुनिए, मेरा दोस्त आपसे एक साल से प्यार करता है, थोड़ा तो रहम कीजिए प्लीज। ये प्यार के लायक ही नहीं है। चलो तुम लोग यहाँ से निकलो अब, जाओ। सुनिए ना, ये कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, बल्कि ये रियलिटी है। देखो तुम दोनों ही मुझसे बात कर रहे हो, इसने एक शब्द भी नहीं कहा, बात ही नहीं कर पा रहा है ये। जब ये मुझे फेस नहीं कर सकता, तो फिर ये मेरी मम्मी पापा मेरे घर वालों से कैसे बात करेगा? चुपचाप इसकी शादी गांव की किसी सीधी सादी लड़की से करवा दो, ये खुश रहेगा। पहले तुम लोग इस जगह को खाली करो, चलो जाओ, जाओ। सुनिए, ये कह रहा है कि सिर्फ ये आपसे ही प्यार करता है और आप है कि... ए, लगता है मेरी बात ठीक से समझ नहीं पा रहे। रुको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं, आ जाओ, लगता है ये नहीं मानेगी। चलो जाओ। देखा तुमने, क्या भाई एंट्री से पहले तो बड़ा हीरो बन रहा था, अब क्या हुआ? इज्जत का कचरा कर दिया तूने। क्या हो गया इसे? ए, सेल्वी आ रही है, आज कुछ भी गड़बड़ मत करना। अरे यार जाओ मत, जाओ। क्या मत बोल रहे हो, जाकर उससे आराम से बात करो ना, डर क्यों रहे हो? जाकर हिम्मत से बात करो। बात करना है, उसे देखते ही डर लगता है मुझे, अकेले जाके कैसे बात करूंगा यार, साथ में चलो यार प्लीज यार। ए, बदतमीज, पकड़ उसे। अरे क्या हुआ? तेरी तो तूने पता है तुझे? छोड़ दे उसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। गाड़ी में क्या हो गया? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। क्या यार ये कैसे हो गया, क्या ये सब? अरे रुको रुको रुको, अब ये तुम्हें पसंद आया कि नहीं? हे ये तो पट गई यार। अब मुझे पार्टी चाहिए। मुझे भी। तूने उसे पटा लिया है। पापा आज के बाद हमारा होमवर्क मत कीजिएगा। क्यों बेटा, टीचर ने पहचान लिया था? नहीं पापा, लेकिन आपने सब गलत लिखा था इसलिए डांट पड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर लगाना बेटा। क्या पापा, आप तुरंत बात बदल देते हैं। ठीक है बेटा। बेटा कार्तिक। हाँ। प्रभु का कल इंटरव्यू है ना? हाँ पापा, वो तो कल रात को ही निकल गया, सरुना ने बस पे बिठा दिया था। ए! मिक्सी के साथ ये क्या कर रहा है तू? रुक जाओ, अभी मुझे मसाला पीसना है ना। रुक जाओ मम्मी, हो गया। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, मेरी मिक्सी खराब कर देगा ये। ए, क्या कर रहा है? क्यों चिल्ला रही हो मम्मी, ये लो मिक्सी। अच्छी खासी मिक्सी को खराब करने बैठा है बस। मेरी मम्मी ने शादी में मिक्सी दी थी, उसे उठाकर खेल रहे हो तुम लोग। सुबह सुबह टेंशन बढ़ा देते हैं मेरी। ए, मेरी मिक्सी नहीं चल रही। मम्मी हाथ हटाओ। हाँ हाथ हटाओ। हाँ ये क्या, स्विच तो भाई बिना ही चल रही है। मम्मी आजकल सब कुछ रिमोट पे चलता है, इसलिए टीवी रिमोट से मिक्सी को कनेक्ट कर दिया। देखा मेरा जादू, आज के बाद टीवी देखकर ही मसाला पीस लेना, आटा पीस लेना, कुछ भी पीस लो। ओके। हाँ मम्मी। तू तो साइंटिस्ट है। सुनिए हमारा बेटा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। पापा इसे पकड़िए। पापा तेनी कुंजला। पापा जी तेनी कुंजला। पीजी। ए, मेरी बहन के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे, बाद में देखती हूँ तुझे। ए बीजी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? हाँ। ऐश्वर्या कैसी हो? हाँ अब बैठिए ना,
आप भी बैठो ना। कितने दिन हो गए तुम लोग कैसे हो? बैठो बैठो बैठो, सब कुछ ठीक है ना? पाँच मिनट रुको, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे रुकिए, हम अभी होटल में खाना खा कर। अरे तुम लोग घर पर ही आ रहे थे ना, तो बाहर खाने की क्या जरूरत? भाभी जी, मैंने पहले ही कहा था कि भैया के घर पे खाना खाएंगे, पर ये वो छोड़िए जी, 11 तारीख को विघ्नेश की शादी है आना। क्या है ये सब, लड़की देखने गए थे तब नहीं बुलाया, अब सगाई में भी नहीं बुलाया, और किसी अनजान आदमी की तरह पत्रिका लेकर आ गए तुम दोनों यहाँ पर। ये लीजिए जी, इसे पकड़िए। मैंने लड़की देखी थी, जगह भी अच्छी थी, इसलिए जल्दी से बात कर ली। आप लोग शादी में जरूर आइएगा, बस शादी अच्छे से हो जाना चाहिए, और क्या। कोई भी बात दिल में रखे बिना बच्चों के साथ दो दिन पहले ही आ जाना। मैं तो जरूर ही आऊंगा, शादी अच्छे से हो जाएगी। इनके लिए कुछ पीने के लिए लाओ ना, जाओ। अच्छा बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफी? दीदी अगर कोल्ड ड्रिंक हो तो आप लेकर आ जाओ। ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेमन जूस बना कर लाऊं क्या? मैं लेमन जूस नहीं पीती हूँ दीदी। ऐसे बिना खाए पिए कैसे? इसको छोड़िए भाभी जी, ज्यादा नाटक मत कर। बहुत ज्यादा नाटक मत कर। क्या सरवण, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मौसा जी। कार्तिक सरवण के कॉलेज में पढ़ता है ना, तुम दोनों साथ में हो ना? मौसा जी मैं प्लस वन में हूँ। अरे सुनिए जी, आपको याद है क्या, इसके कान छेदने के फंक्शन में ही मुझे ऐसा नेकलेस मिला था। बहुत जरूरी है, ये लीजिए चाय। ये ले, पानी तो पी ले। दीदी मैं पानी नहीं पीती। अरे ये कावेरी का पानी है, मुझे ये सूट नहीं करता, शादी का बहुत काम पड़ा है ना, मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीऊंगी। दीजिए जी पानी दीजिए मुझे। पी लो, तुम्हारी एक्टिंग की कोई लिमिट नहीं है। नखरे तो देखो इनके, सही तो बोल रही है। सुनिए पत्रिका निकालिए। अगला। ठीक है दीदी, आप जीजा जी के साथ खड़े हो जाइए। पकड़ पकड़ ना। दीदी जीजा जी आप लोग दोनों शादी में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। बाय बाय बेटी। बस हो गया, चल चल अंदर। सुनिए, आपने देखा ना उसके घमंड को, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी मौसी की बेटी ऐसा करेगी, मेरे घर में आकर इतना घमंड दिखा रही है। ए, आजकल YouTube बहुत देख रही हो, छोड़ो। मैं उनकी शादी में नहीं जाने वाली हूँ। क्या बोल रही हो, उनके लिए नहीं तो साड़ू के लिए जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे बुरा लगेगा। आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी हम पूरे परिवार के साथ उनकी शादी में जाएंगे, और मौसी ने जैसा यहाँ पर कहा हम भी वहाँ पर वैसे ही कहेंगे, कहेंगे कि शादी का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम वहाँ जाकर बड़प्पन दिखाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी तब उन्हें पता चलेगा। सही है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। ये सब ना टीवी के सीरियल देख कर डायलॉग मार रही है। अब देखिए शादी के दिन मुझे ये काम है वो काम है कहकर मुझे बस में भेजने का काम मत करना, आपको तब भी क्या होगा तब देखेंगे। हम लोग कार में ही जाएंगे और मंडप के दरवाजे पर ही उतरेंगे, और हम भी दिखाएंगे कि हम भी कोई कम नहीं है। सही कह रही हूँ ना? हाँ मम्मी। अरे सुनना, तेरे पापा ने फोन किया था। कितने बजे है बेटा इंटरव्यू? 10:30 बजे। खाना खा लिया आपने? बेटा खा लिया, सुबह ही बना दिया था। ठीक है पापा, दोपहर में सोना होटल। बाय। ऐसा क्या पापा, दोपहर में बस पकड़ के शाम तक पहुंच जाऊंगा? कोई जल्दी नहीं बेटा, कुछ अर्जेंट नहीं है, संभल कर आना, बस में बैठ कर आना। ठीक है पापा, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। कौन है भैया फोन पर, प्रभु? हाँ, है क्या बहन जी? भैया भैया क्या हुआ भैया? भैया सीने में कुछ भारी भारी सा लग रहा है। इतना पसीना क्यों आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है? सुनिए सुनिए क्या, चलिए ना जल्दी आइए, भैया के सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए। हे भगवान, क्या हो गया? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। राजी क्या हुआ? तुम गाड़ी की चाबी लेकर क्या हो? मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, जाओ जाओ जल्दी करो। सुनिए सीने में दर्द हो रहा है उनको, जल्दी जल्दी देखो। हाँ सर, आराम से भैया, आराम से। पेशेंट के रिश्तेदार कौन है? हाँ मैं। कैश काउंटर पे 15,000 जमा कीजिए। 15,000? ठीक है भर देता हूँ। राजी हा? मैंने दोपहर में पैसे दिए थे ना? वो तो कार के भाड़े के पैसे है ना जी। भाड़े के पैसे है ना, कहाँ रखे हैं बताओ, मैं लेकर आता हूँ। सुनिए तो क्या आप चले जाएंगे और डॉक्टर आकर कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप मुझे अपना फोन देकर जाइए। मम्मी क्या हुआ? मम्मी कहाँ है बेटा तू? मैं आज मैच खेल रहा हूँ। प्रभु के पापा को अटैक आया हुआ है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी? उन्हें स्टार हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तू जल्दी से घर जा। हाँ। छोटे के बेडरूम में जहाँ साड़ी रखी हुई है ना। हाँ मम्मी। हाँ, उसके नीचे कुछ पैसे रखे हैं। हाँ। वो पैसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल में आ जा, ठीक है? इंश्योरेंस खत्म हुए एक महीना हो गया, रिन्यूअल किए बिना तू गाड़ी चला रहा है। रुक रुक रुक, ऐसा मत कीजिए सर, अगले दिन मेरी शादी है। शादी है? हाँ सर। दूल्हे के पॉकेट में कितने पैसे? ड्रेस खरीदने के लिए रखे हैं सर। छोड़ रहे, चलो साइड में लोग।
तेरी शादी में जो पैसे मिलेंगे समझ लेना कब मिले सर। इसका क्या हुआ? लाइसेंस नहीं है सर। ए, गाड़ी रोक। ये तो वही है सर। सर 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 छोड़ ना, हटिया कर रहे आप। इंश्योरेंस के कागज कहाँ हैं? चल चल निकल यहाँ से, जल्दी कर, जल्दी कर, निकल। अरे तेज भगा। तेरी तो अरे ये क्या हो गया? चलो देखो, चलो चलो देखो, देखो कितना खून बह रहा है। चलो 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 चलो। अरे 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 अरे, ये क्या? ये तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। अरे जल्दी उठाओ इसको। बेचारी लड़की। अरे क्या हुआ? उठाओ इसे। पुलिस वाले ने देखा। कोई डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया इसे? अरे लड़की बहुत सीरियस हो गई है। देखो कुछ करो, कोई पुलिस को, कोई कुछ करो। अरे एम्बुलेंस को कॉल करो। पुलिस वाले ने ये सब किया है? उस पुलिस वाले ने, वो उस पुलिस वाले ने मारा है। हाँ ये इसी ने मारा। ये जो मोटा है, हाँ मैंने देखा, इसने मारा। इंसान हो कि जानवर हो? मारा है। अरे ये पुलिस वाले भी ना, अरे कैसे हो गया ये सब? अरे किसने किया ये? इसकी तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका एक्सीडेंट अचानक कैसे हो गया? किसी ने कुछ देखा है क्या? किसने मारा है इसे? उस पुलिस वाले ने मारा। मारो इसे, मारो, नहीं छोड़ेंगे इसे, मारो। मैं पुलिस हो रहा हूँ, तुम लोग मुझ पर हाथ उठा रहे हो, बोलूंगा नहीं तुम्हें। अरे छोड़ दो मुझे। हेलो सर। सर हाँ सर, वहाँ पर है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप ट्रैवल कंपनी को फोन कीजिए, वो आपको एक गाड़ी भेज देंगे। ए इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ? शर्ट पूरी गीली है और गंदी भी हुई है, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, गांव में खेल रहा था ना और मैं नीचे गिर गया था, इसलिए हाँ। शर्ट गंदी हो गई, बाकी कुछ नहीं। क्या बेटा तू? मम्मी अभी प्रभु के पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने कहा कि एक छोटा सा माइनर अटैक था। ठीक है पैसे का ये लीजिए, पहले पैसे जमा करते हैं। ठीक है जी, मैं देकर के आता हूँ। क्या मम्मी वो आते समय? नहीं मम्मी कुछ नहीं, सुबह जब ये खेल रहा था ना तो कह रहा था कि भूख लगी है तो मैं इसे खाने के लिए ले जाता। ठीक है, उसे भूख सहन नहीं होती है, उसे कुछ खिला दे। ठीक है। क्या कर रहा है? दर्द हो रहा है। माँ को सच क्यों नहीं बताया? हाँ पहले से ही प्रभु के पापा के साथ ऐसा हो गया और मम्मी टेंशन में है, और ऊपर से तू एक और प्रॉब्लम बताने जा रहा है, अब तेरी बात से और टेंशन में आ जाएगी वो, और इसीलिए तुम उनसे बातें छिपा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, पहले प्रभु के पापा ठीक होकर के घर आ जाए, उसके बाद हम शांति से बता देंगे। पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। प्रभु इस तरह रोगे तो पापा को कौन संभालेगा? कुछ नहीं हुआ है, माइनर अटैक था, ट्रीटमेंट कर दिया है, शाम को घर ले जा सकते हैं। आंटी थैंक्स। आंटी क्या प्रभु बेटा, थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आंटी आप लोग नहीं होते तो मेरे पापा नहीं होते आज। अरे सर आप आते हैं। सर क्या है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर 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 पता नहीं। वही तो, इस पुलिस वाले को सब लोग इतना मार क्यों रहे हैं? मम्मी नीचे जो लिखा है उसे पढ़कर देखो ना, पता चलेगा। किसी को मार दिया है इसने, तब तो इसे पीटना ही चाहिए। साहब डॉक्टर ने फोन किया था, डिस्चार्ज करने से पहले आप कुछ बताए बिना यहां चले आए। कितने लोगों को मैंने मार के हॉस्पिटल में सुलाया है, उसी हॉस्पिटल में मुझे रहने के लिए कर रहे हो? साहब साहब अगर दो दिन आप आराम कर लेते तो चोट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाती साहब।
साहब मैं नहीं, ये डॉक्टर बोल रहे थे। चोट यहाँ नहीं लगी है, यहाँ लगी है, दर्द यहाँ हो रहा है। सारे टीवी चैनल पर मैं ही मार खाता हुआ नजर आ रहा हूँ। कोई भी मुझे देखता है ना, मुझे लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं रही। घर पर भी बीवी बच्चे इज्जत नहीं दे रहे। छह, एक की भी शक्ल याद नहीं आ रही। तुझे किसी की याद है क्या? सर वो लोग जब आपको मार रहे थे तो पब्लिक ने आपके पास हमें आने नहीं दिया, पूरा घेर लिया था सर। टीवी चैनल वाला भी आप ही का चेहरा दिखा रहा था, लेकिन जिसने मारा उसका चेहरा ब्लर कर दिया था सर। ए, गाड़ी निकाल। यस सर। तेज चलाना। जी सर चला रहा हूँ। किसी की भी शक्ल याद नहीं आ रही। आसपास देखो, कोई चेहरा तुम्हें याद आ रहा है क्या? ओके ओके सर। सीसीटीवी कैमरा उधर देखो। चलो सब लोग। ए सर, जब यहाँ लड़ाई हुई थी तू इधर ही था? हाँ सर। वो लड़ाई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई क्या? सीसीटीवी चल तो रहा था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा सर। रिकॉर्ड नहीं हुआ? सर 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 सर, हे फुटेज सर को दे दे। ठीक है सर। सर आप निकाल लो। वो फुटेज निकाल। ले लिया सर। ले लिया? हाँ सर। अरे वो लैपटॉप लेकर आओ। लाता हूँ सर। गाड़ी साइड में लगा, लैपटॉप देना इधर। सर सर ये लीजिए। ये लीजिए सर। इस एरिया में एक फूल की दुकान है सर। सर सर इस प्लेटफॉर्म में कपड़े की दुकान है। मेरे ऊपर जिसने हाथ उठाया छोड़ूंगा नहीं उसको। सबको उठाकर स्टेशन लेकर आओ। ठीक है सर। कौन हूँ दिखाता हूँ उनको। ए एक सर, छोटी सी इंक्वायरी है। इंस्पेक्टर बुला रहे, छोटी सी इंक्वायरी है। तुम लोगों को पुलिस मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मुझे मारोगे? अरे सर, आज के बाद चलने के लिए तरस जाओगे। भिखारी कहीं के मुझे मारोगे, मुझे मारोगे। सर जाने दीजिए ना। एक दो उठाकर। ओके सर। इसके होश में आते ही मुझे बताना। जी सर। कांस्टेबल आए सर। इस फुटेज में उन लड़कों का चेहरा ही नहीं दिख रहा। हाँ मुझे लगता है कि वो कैमरा के उस साइड में रहे होंगे सर। चाहे वो कैमरा फुटेज से बच जाएं, लेकिन मेरी आंखों से दोनों कभी नहीं बचेंगे। पापा ये नहीं चाहिए, ये माँ ने टीवी पर देखकर बनाया है। चुपचाप खाना खा, बकवास करती रहती है। ए, अंडे ले लिए? भूल गया यार। छह अंडे दीजिए और साथ में उसके भी पैसे ले लीजिए। तुम्हारे भाई को याद है, उसने अंडे की याद दिला दी। ये तो हमेशा स्कूल में लेता ही रहता है ना, वो कैसे भूल सकता है? वो पहले लेता था, अब कहाँ लेता हूँ। हाँ जब भी लिया हो अंडा अंडा ही होता है। ठीक है ठीक है, तुम लोग अंडे के लिए झगड़ा मत करो। चलो चलो लो, संभाल कर ले जाना है। ओके भैया। दीजिए भैया, जहाँ जाता है बस मुझे बदनाम करता रहता है। ये वही लड़के हैं? हाँ सर वही लड़के हैं। जाकर पकड़ो सर। पकड़ो उसे। जाओ जाओ जाओ। चल चल चल, तेज चला गाड़ी, जरा तेज चला, तेज चला, चल 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 निकल। ला दे दोनों को, जल्दी चला और तेज चला, छोड़ना मत। जल्दी कर, जल्दी उतरो, पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी कर, चलो।
अरे श्रवण, अब हम क्या करेंगे? तेरी तो आज बच गए ये लोग। जल्दी उतरो तुम लोग। गाड़ी बाहर मत खड़ी कर, अंदर लेके चल। सचे, अरे धक्का मारो। तू ध्यान दे। उठाओ इसे। पापा। क्या हुआ? तू अंडा लेकर आया कि नहीं? क्या हुआ है तुझे? भाई के साथ झगड़ा हो गया है क्या? क्या हुआ इसे? तुम सब रो क्यों रहे हो? प्रभु, क्या हुआ? डरावा क्यों लग रही है? अंकल, पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे थे। पुलिस पीछा कर रही है? क्या किया है तूने? बता। चुप करो, लड़का पहले से डरा है और डरा रही हो। पर पुलिस क्यों पीछा कर रही है? बेटा रो मत, बताओ पापा को क्या हुआ, बोलो ना। पापा, प्रभु के पापा को अटैक आया था ना? हाँ बेटा। तभी माँ ने मुझे पैसे लाने के लिए बोला था। हाँ। तभी आते वक्त स्टार सिटी हॉस्पिटल वाला रोड है ना? हाँ। तुम लोगों को पहले ही बताना चाहिए था ना बेटा। मैंने बोला था मां, पर इसने मना कर दिया। भगवान। ए, गाड़ी रोक जरा, पीछे ले तो। सर, यही घर है क्या? मुझे यही घर लग रहा है, जाके पूछताछ कर। नहीं मम्मी पापा, आप पहले ही प्रभु के पापा के अटैक के बारे में सोचकर टेंशन में थे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। सुनिए, आप कुछ कीजिए ना जी। प्रभु, हाँ? क्या हुआ? सर, TN 45 75 27 हीरो होंडा पैशन आपकी गाड़ी है क्या? हाँ सर, मेरी गाड़ी है। कॉल तो जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं अंकल क्या हुआ। तिरुपति, देखो भैया भी आ गए। मैं आपसे खुद मिलने की सोच रहा था। सरोन और कार्तिक को पुलिस ढूंढ रही है, उसके बारे में आपसे बात करनी थी। अंदर आइए, डिटेल में बताता हूँ। पुलिस तो यही आ गई है। अरे क्या चल रहा है सब? घबराने की जरूरत नहीं है, आइए बात करते हैं। तुम लोग हट जाओ। सर, ये वही घर है। ये रुको, सर आ रहे हैं। आप तो सिर्फ बाइक की इंक्वायरी करने आए थे। अगर मैं सच बोलूंगा तो तुम लोग झूठ बोलोगे। लड़के लोगों को छुपा लिया है ना, ये भी इंक्वायरी है, उन लोगों को भेजो। अरे बच्चों को पुलिस के साथ कैसे भेज सकती हूँ? आप कुछ कीजिए ना, बात कीजिए। तुम लोग देखिए सर, अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो मैं सुबह लेकर आ जाऊंगा। सर प्लीज सर, अगर खुद भेज दोगे तो बिना मारे हुए लेकर जाऊंगा, नहीं तो हम लोग क्या हैं तुम्हें पता चल जाएगा। सर आप धमकी दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे। सर ये तो अन्याय है। केस क्या है उन पर, कुछ बताइए ना। लड़कों से कैसे इंक्वायरी करनी है बताइए। सुनो, अभी हम बच्चों को इनके साथ नहीं भेजेंगे, सुबह होते ही हम खुद बच्चों को लेकर चले जाएंगे। तुम लोग सुबह वकील के पास जाओ या जज के पास जाओ, बल्कि तू कमिश्नर के पास चला जा। इन दो लड़कों के बिना मैं इस जगह से नहीं हिलने वाला, समझ गया? सर क्या गुंडों जैसी बात कर रहे हैं? परिवार वाला मोहल्ला है ये, शांति से बात करके उन्हें ले जाएंगे। देखो कैसे उछल रहे हैं। ए, उन सबको लेकर आ। क्या कर रहे तुम लोग? चल अब बैठिए ना, देखता हूँ। बताता हूँ तुझे थाने में। पापा, सर, सर छोड़ दो मेरे को। गाड़ी में बैठा सबको, ले चलो। मेरे पापा मेरे घर को, मेरे बच्चे को। पापा, पापा, भैया, लेके जाओ। पापा, पापा, भैया। फोन आए तो कहना इंस्पेक्टर नहीं है। ठीक है सर।
साहब इसमें रेत भर के बांध। ठीक है साहब। हे, तुम लोग मेरी भाग दौड़ का खेल देख रहे थे ना? गाड़ी के नंबर से कैसे घर का पता लगा लिया? पुलिस को बेवकूफ समझा है? हे, अभी बताता हूं तुम सबको। तेजी से काम कर। हे, इस एरिया के सारे गुंडे मुझे देखकर हंसते हैं। जानते हो तुम लोग मेरी हालत क्या हो गई है? हे, क्या नाम रखा है रे मेरा इलाके में? जॉन सर। सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोल। जॉन सर। जॉन बोले तो? सर, जब हम आते हैं ना तो जान जाने जितना दर्द होता है, इसलिए जॉन पुलिस सर। गुंडे लोगों की मेरी मार से हालत खराब हो जाती है, तो सोचो तुम लोगों का क्या होगा। हे, तैयार हो गया क्या? हाँ साहब, हो गया, उन्हें दे दो। चलो, डंडे को अच्छी तरह तेल पिलाया है, मजा आएगा। वाह, इस डंडे को इसलिए तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि मारते वक्त खून इसके अंदर ही रहे। सुनो बेटा, बेवजह तुम लोग इसके हाथ में फंस गए हो। मैं एक काम करता हूँ जिससे तुम इसकी पिटाई कर पाओगे। हाँ, लेकिन बहुत डर लग रहा है सर, हमें बचा लीजिए। वो पागल है, किसी की नहीं सुनता है। मैं एक काम करता हूँ, लाइट की मेन लाइन ऑफ कर देता हूँ, रूम में अंधेरा हो जाएगा, दरवाजा खुला है, वहां से भाग जाना। कल पापा के साथ वकील को लेकर आना, फिर क्या होगा देख लेंगे। ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। इधर ला तू। ये लीजिए सर। पता है इसका कमाल क्या है? इससे मारना शुरू करूंगा ना तो कोई निशान बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर वाली नस सुन्न हो जाएगी। देखना चाहोगे अभी तुम लोग? अभी दिखाता हूँ। क्या हो रहा है? कौन है ये? अरे, मुझे किसने मारा? क्या कर रहा हूँ? क्या है? किसने मारा मुझे? किसने मारा? सर सर सर, हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता सर। सर 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 सर, नहीं नहीं सर, किसने मारा? हमने नहीं मारा सर। पता है ना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्रवण, तेरे हाथ से खून निकल रहा है। मारते वक्त उसका दांत लग गया। बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं होगा? अपने साथ एसीपी है ना, डरो मत। सर, मेरे गुस्से को डबल कर दिया तुम लोगों ने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सर सर, इंस्पेक्टर कहाँ है? अंदर है सर। बुलाओ। जी सर। हाँ? इंस्पेक्टर ने बच्चों को मारा तो नहीं होगा? मैंने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। बोल रहे सर, क्या है? एसीपी बुला रहा है। फोन काट दे और कह दे मैं नहीं हूँ। वो तो खुद आए सर। सर। हाँ? ये तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ है? सर, बाथरूम में फिसल गया। ड्यूटी के टाइम में अगर होश में नहीं रहोगे तो ऐसा ही होता है। ऐसी कोई बात नहीं है सर। जिस लड़की की हेलमेट की वजह से चोट लगी थी वो अब जिंदा है, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें सस्पेंड नहीं किया। वहाँ सारी की सारी पब्लिक इन्हें ढूंढ रही है और तुम इन्हें मार रहे हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो लोग तुम पर केस नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें अपनी तरफ से धमकी दी होगी। नहीं सर। बहुत दिन हो गए तुम्हें बचते बचते, एक दिन लंबे नपोगे। बच्चों, असिस्टेंट कमिश्नर आए, चलो देखते हैं, जरा उन्हें यहाँ तक तो आने दो। सरून, पापा, कार्तिक, पापा, मारा तो नहीं ना? बेटा, इसने तुम पर हाथ उठाया? डरो मत, बोलो। नहीं सर, हमें नहीं मारा इन्होंने। तुम इन लड़कों को यहाँ क्यों लेकर आए? सर, एक छोटे से केस में इंक्वायरी कर। झूठ मत बोलो, ये सब तुम हेलमेट केस की वजह से कह रहे हो ना? मेरी बात सुनो, मुझे सब पता है, बेवजह मामला बढ़ाओ मत। हाँ, आप लोग अपने बच्चों को लेकर जाइए। ठीक है सर, चलो। थैंक यू सर। सर, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मुझे अगला कदम उठाना पड़ेगा। इतनी बार ट्रांसफर हुआ है फिर भी तुम सुधरते नहीं। अच्छा, तुम लोग भी इसी स्टेशन में हो ना? इस आदमी को समझा नहीं सकते थे? ये आदमी इतना अन्याय कर रहा था और तुम लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, कम से कम इन्फॉर्म तो किया होता। सुनो, आज के बाद सुधरने की कोशिश करना। सुनिए, गाड़ी यहाँ क्यों रोक दिया आपने? अरे,
आगे जगह नहीं है, सही जगह रोकी है मैंने। सुनिए, मुझे मंडप के पास उतार कर फिर कहीं भी खड़ी कर दीजिएगा। क्या कह रही हो, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या जो तुम्हारी मर्जी से गाड़ी रोकूं? ऐसी बात नहीं है जी, इतनी दूर गाड़ी में क्यों आए हैं? मंडप के दरवाजे पर उतरेंगे तो सबके सामने हमारी इज्जत बढ़ जाएगी ना। हमारे घर में कितने नखरे किए थे याद नहीं है आपको? चलिए ना। मैं मना भी करूंगा तो ये मानेगी नहीं। हाँ। हाँ हाँ चलो पता चलेगा। ए रुकना माँ, दरवाजा खोलो ना माँ। चलो उतरो ना। अरे रुकिए ना। विजी नमस्ते, आइए आइए। विजी, ए विजी रुकिए ना आप लोग। हाँ सब ठीक है ना विजी? ए विजी, विजी यही मंडप है ना, मैं पत्रिका लाना भूल गई तो पता नहीं चल रहा था। ए, कार्ड में मम्मी पापा का चेहरा भी छपा हुआ है ना। ए सुनो ना, चुप नहीं रह सकते, परिवार ही ऐसा है। आप अंदर जाइए। हाँ मैं आती हूँ। आते आ जाओ, उतर जाओ। आइए आइए। शादी का काम ठीक से चल रहा है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक से। तुम बहन के साथ अंदर जाओ, मैं गाड़ी लगा कर आता हूँ। हाँ ठीक है जी, गाड़ी जल्दी पार्क करके आ जाइए। गाड़ी निकाल बेलू। चलिए चलिए आइए सर। ऐश्वर्या। हाँ क्या तिरुपति, तुम यहाँ पर क्या? भाई सवारी लेके आया? नहीं, मेरे साड़ू के बेटे की शादी है इसलिए फैमिली के साथ आया हूँ। सर आप यहाँ पर? ओ कुछ नहीं, बस फाइनेंस के लिए मिलने आया था। पैसा थोड़ा कम पड़ रहा था तो घर तक जाने की सोच रहा था। तिरुपति तुम्हारे पास 1,00,000 भाड़े का पैसा बाकी है ना? उसे दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। अभी पैसे नहीं है सर। क्या क्या बोला, पैसे नहीं है? 5 दिन के भाड़े का पैसा नहीं है? क्या किया सर? ए, इसने अभी तक गाड़ी के पैसे नहीं भरे ना? गए थे ना, मैंने सुना था। गाँव गया था ना, भाग तो नहीं गया था ना? सीधा ऑफिस में आकर पैसे भरने चाहिए थे ना? सर जरा धीरे बात करिए सर, रिश्तेदार सब देख रहे हैं। मैं किस तरह से बात करूं? तुम मुझे मत सिखाओ, लेकिन तुझे मैंने छोड़ कर रखा है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दे दूंगा सर, आज नहीं तो शाम को आकर दे दूंगा। तू शाम को दे, सुबह को दे, कभी दे, लेकिन पहले चाबी दे। सर प्लीज सर, पैसे दे दूंगा। ए, तुझे मालूम है ना पैसे के मामले में कुछ नहीं सुनता हूँ। अचानक दोस्त की तबीयत खराब हो गई और ऊपर से पुलिस का लफड़ा भी हो गया था सर। भाड़े की गाड़ी में पूरे परिवार के साथ घूमेगा तो भाड़ा कैसे भरेगा? ए, मुझे 1,00,000 कम पड़ रहे हैं। गाड़ी की चाबी ला। ए, इससे चाबी ले ले। सर पैसे दे दो। चाबी ले ले इससे। मैं पैसे दे दूंगा। पहले चाबी दे, बोला ना चाबी दे। सर सर क्या प्रॉब्लम है? अब ये आया है, अब इसको शुरू से बताना पड़ेगा। सर पहले तमीज से बात कीजिए। क्या तमीज से बात करूं? ए, तू अपना काम कर। ए, चाबी दे। अरे देना है। पैसा देकर चाबी ले जाना, चल तू बाजू उठो। अरे ये लो। अरे चिंता मत कीजिए, चलिए अंदर आइए। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस मुकाम पे खड़ा हूँ, क्यों हूँ, कैसे ये हालात बन गए, आखिर ये कैसे हो गया। क्या है सब, सारे गहने को उतार कर रख दिए? इसमें 20-22 तोला सोना होगा, मैंने सारा सोना निकाल कर उसमें रख दिया है। ये क्यों कर रही हो? ये सब बेच दोगे तो कम से कम 3,00,000 मिल ही जाएंगे, और अगर कम पड़ेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा बैंक में है ना, लगभग 1,00,000 होंगे। वो सब मिलाकर एक नई गाड़ी ले लेते हैं, आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तुम इसमें अपना मंगलसूत्र बेच दोगे? सोने का हो ये जरूरी नहीं है, एक पवित्र धागे को भी मंगलसूत्र कह सकते हैं। ए, पागल हो गई हूँ क्या? हाँ सही कह रहे हैं, पागल हो गई हूँ। वहाँ पर सब लोगों के सामने मेरे पति की इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बदनामी सहने के बाद यहाँ पर बैठी हुई हूँ ना, मैं पागल ही हूँ। छोड़ो अब, उस आदमी के बारे में तुमको पता है ना, मुझे थोड़ा होशियार रहना चाहिए था, मेरी भी गलती है ना। गलती तो रहने दीजिए, लेकिन वो बोलने का एक तरीका होता है ना, उस आदमी को आपने इतना समझाया कि ऐसा मत कीजिए, हम अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हैं, शादी में आए हुए इतने भी मेहमान वहाँ खड़े थे, हम सभी वहाँ खड़े खड़े सब देख रहे थे, इन सब बातों का भी उसने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, और कैसे बात कर रहा था हमसे। अपने परिवार का ख्याल किए बिना रात दिन उनके लिए काम करते, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जॉब छोड़ दीजिए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है,
मेहरबानी करके ये सोना बेचकर एक नई गाड़ी खरीद कर लेकर आइए, और कुछ नहीं सुनना। पापा मैं आपको इस हालत में देख नहीं पा रहा हूँ। बेटा सब पहले जैसा नहीं रहा, अब ना ट्रेवल बहुत मुश्किल हो गया है। सब लोग इनोवा बड़ी बड़ी गाड़ियों की डिमांड करते हैं, कस्टमर की ये चाहत है। 7 लाख की जरूरत पड़ेगी, 4 लाख से कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए आप बस किसी भी तरह गाड़ी खरीद लीजिए। सुनो दोबारा काम के लिए गया तो उसके आगे जाकर हाथ जोड़ना पड़ेगा, तुम्हें चलेगा क्या? घर में कोई है? आइए 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 भैया, आइए भैया को चेयर दे, ये लीजिए। हाँ, बैठो भाई। कुछ खाएंगे क्या भैया? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये क्या सारे जेवरात पर कपड़ा डालकर रखा है? तुम्हारी बहन मुझे एक गाड़ी का मालिक बनाना चाहती है, क्या इस सबसे हो जाएगा? उसके लिए औकात होनी चाहिए। सुनिए रोइए मत। क्यों रो रही है? बच्चों ने बता दिया मुझे, प्रभु ने भी बता दिया, आप नई कार खरीदोगे। कैसे लेंगे, सिर्फ 4 लाख ही तो है, 4 लाख की और जरूरत है, सेकंड हैंड खरीद कर चला लूंगा। वो गाड़ी भाड़े लायक नहीं है, उसका खर्चा करते करते पुरानी गाड़ी नहीं नई गाड़ी खरीदोगे। मेरे रिटायरमेंट का पैसा बैंक में ऐसे ही पड़ा है, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से ही तो गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं, अगर अभी मैंने मदद नहीं की तो जिंदगी भर ये बात खलती रहेगी मुझे। बहन जी सोना अंदर ले जाइए। नहीं भैया ये सोना बेच देंगे हम, ये कैसे भी करके मुझे नया सोना लाकर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर सरोना कल ही नई गाड़ी खरीदेंगे ना, कौन सी गाड़ी वो डिस्कस करके रखो। पर पापा ये कितना हुआ भाई? 200 सर। ये लीजिए। थैंक यू सर। सर 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 मैं ले चलता हूँ, कोई बात नहीं मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। अरे यही सेकंड फ्लोर पर। हाँ। ठीक है आप मुझे दीजिए, चलिए। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? चलिए ना, चलिए लिफ्ट तक छोड़ देता हूँ, लिफ्ट आउट ऑफ सीरीज है। चलिए चलिए। आइए भाई आइए, संभल कर आइए। आज काम नहीं है क्या सर? नहीं भाई 2-3 दिन काम नहीं। क्यों है? सर से ठीक करना चाहिए। मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं, एसोसिएशन वालों का लफड़ा है। ऐसा है क्या? हाँ भाई आप ऊपर चलिए, मैं लेकर आता हूँ। हाँ आपने मेरी बहुत मदद की। धीरे सर संभल कर। हाँ आराम से आइए सर, आइए। हाँ सर आप मिलिट्री मैन है क्या? हाँ भाई एक्स मिलिट्री हूँ। बहुत अच्छा। हाँ संभल कर। हाँ सर यही क्या? यही फ्लैट है भाई। अच्छा लाइए मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं सर रख देता हूँ। कोई बात नहीं मैं ले लूंगा। अरे चलिए मैं देता हूँ। तो आइए ना फिर अंदर आइए, चाय पी कर जाइए। नहीं रहने दीजिए सर, यही रख दीजिए, मैं उठा कर ले जाऊंगा। ठीक है थैंक्स। आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है, देखिए कस्टमर कॉल। ठीक है सर, ठीक है सर चलता हूँ सर, धन्यवाद थैंक्स। ओके ओके सर अभी आता हूँ सर। हाँ आता हूँ सर। ओके सर।
क्या हुआ बेटा, पापा ने फोन नहीं उठाया? नहीं मम्मी। ये भी ना कैसे है, शादी का दिन है, बाहर जाकर खाना खाते हैं कहा था, अब तक इनका कोई अता पता ही नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा। ए! जैसे ही टाइम मिलता है फोन उठा लेता है, चुपचाप पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? चुपचाप पढ़ाई कर। क्या हुआ, पापा ने फोन उठाया क्या? नहीं मम्मी। कैसे इंसान है ये, शादी का दिन है, बाहर कहीं चलकर खाना खाएंगे कहा था, अब तक ना ही आए हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। समय भी हो गया है अब तो, कब मंदिर जाएंगे और कब डिनर पर जाएंगे, इसलिए मैंने भी अब तक खाना नहीं बनाया। अब बनाओ या ना बनाओ कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। बनाने की जरूरत नहीं, आज हम होटल में जाकर खाना खाएंगे। एक दिन ही तो अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना? रोज रोज टीवी पर देखकर तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाती हूँ, उसका क्या? तुम लोगों के अंदर ना बहुत चर्बी आ गई है। देख पापा आ गए होंगे। हाँ। जा। पापा लेट हो रहे थे तो फोन करके बता देते, बच्चों को भूख लगी है इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ जी, क्या हुआ, टेंशन में क्यों लग रहे हैं? शर्ट भी इतनी गीली हुई है, गाड़ी की आवाज भी नहीं आई, गाड़ी कहाँ है? क्या हुआ जी, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी में कोई खराबी हो गई क्या? नहीं पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूछती जा रही हूँ और आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, बोलिए ना। गाड़ी चोरी हो गई। हाँ? गाड़ी चोरी हो गई। हमारी गाड़ी चोरी हो गई? क्या कह रहे हैं आप, गाड़ी चोरी कैसे हो सकती है, वो कोई छोटी चीज है क्या जो चोरी हो जाएगी? कैसे हुआ, कब हुआ ये सब? कस्टमर को ऊपर छोड़ने गया और तभी बाहर आकर देखा, गाड़ी क्या नहीं हुआ थी। जी आपने वहाँ आसपास अच्छी तरह से देखा क्या? हर जगह घूम कर देखा। हे भगवान, क्या जी, मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए थे उसके लिए, इनकी पढ़ाई के सारे पैसे भी दे दिए, और आप आकर कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो गई है और आप चुपचाप खड़े देखते रहे। मैं कितनी खुश थी कि अब नई गाड़ी हो गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। क्यों हम लोग हर रोज नई मुसीबत में पड़ जाते हैं? क्या भाई, क्या हो गया? गाड़ी चोरी हो गई। चोरी हो गई कब? शाम को लगभग 5 बजे के तरफ सोना रोड से। उसके पास एक अपार्टमेंट है ना, मैंने वहीं खड़ी की थी। गाड़ी की चाबी नहीं लगी थी। मेरे पास ही है, ये है चाबी। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। रोइए मत, रोइए मत, आप लोग रोएंगे तो बच्चे रोएंगे। सोचते हैं, पुलिस कंप्लेंट की? नहीं नहीं, अभी रात भी बहुत हो गई है, कल सुबह उस एरिया की पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम करेंगे तो सारा पैसा मिल जाएगा। पहले क्लेम तो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सर कंप्लेंट लिखवानी है। साहब के पास जाइए। इंस्पेक्टर बाहर गए हैं। ठीक है सर, उनके आते ही काम हो जाएगा। सर नौकरी ढूंढने की उम्र में मैंने स्टीयरिंग पकड़ ली, ड्राइविंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता सर। सर गाड़ी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, विश्वास रखिए, चिंता मत कीजिए, डिपार्टमेंट के जरिए जो भी एक्शन लेना होगा ले लेंगे। ठीक, फिर भी अपने साइड से आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, ठीक है। क्यों भाई, कंप्लेंट तो दे दी है, गाड़ी मिल जाएगी ना? जरूर मिल जाएगी, हिम्मत मत हारना। सर 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 सर, जैन सर। ए, वो आदमी क्यों आया था? सर उसकी कार चोरी हो गई है, इसलिए कंप्लेंट लिखवाने आया था।
शराब के नशे में कहीं भी गाड़ी छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं चोरी हो गई और कंप्लेंट देने चले आते हैं। नहीं सर, वो आदमी ऐसा नहीं है। क्या? उसे देखकर लग रहा है कि उसे शराब की आदत नहीं है सर। हाँ। सर मैं उसकी FIR रजिस्टर कर लूँ। वो सब मैं देख लूंगा, तुम चाय लेकर आओ। सर होना पोस्टर को अच्छे से चिपका दिया ना? देख हाँ, कर लगा। हाँ, चिपकाए सो। हाँ, वहां पर भी देख लो, उस तरफ ऊपर लगाओ। ए, उसे देखना जरा। शक्ल देखी आपने? तुम्हें देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हंसी मजाक करते हो तो ही अच्छे लगते हो। तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा स्माइल करो। तुम मुंह क्या देख रहे हो? खाने को बोलो ना। हे बेचारी, कब से कह रही है तुमको खाना खाने को, खाओ ना। ए, वो कहीं जा रहा है। कार्तिक, वो तुम्हारी कार नहीं है। चलो आओ। ए, टाइम क्या हुआ? 11:30 बज रहा है। इतने लेट क्यों हो गए? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? वो दीपा की दादी एक्सपायर हो गई, बेचारी बहुत रो रही थी। इस हालात में हम उसके साथ रहेंगे तो उसे हिम्मत मिलेगी। चलो टाइम हो गया, निकलते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे हम सबको छोड़ के चली गई। दीपा तू रो मत, मत रो ना तू। क्या हो गया? देखा ना, बहुत करीबी रिश्तेदार लगते हैं। देखो उन लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है ना। लगता है दादी को बहुत प्यार करती थी। प्यार करती होंगी यार बेचारी। देखो इतना मत सोचो। इसी गले लगा कर रो रहे हैं। लगता है दादी इनको बहुत पसंद करती थी। हाँ सुनिए, आप उधर जाइए, उधर जाकर गले लगा कर रोइए। अरे तुम बहुत हिम्मत आ गई है। हाँ? उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता मेरा। सपोर्ट? ए, तुम दोनों ऐसे ही रोते रहोगे क्या? हाँ? श्रवण, कार की कीमत इतनी बड़ी नहीं होती है। हाँ? मिल जाएगी, हिम्मत रखो। ए, मैं बोल रही हूँ ना। अच्छा हंस कौन रहा था? मैं नहीं, ये हंस रहा था। कोई बात नहीं दीदी। सॉरी यार, गलत मत समझना। पागल कहीं के, तुम्हारी वजह से फंस गई। ये हे 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 हे, डांस करो ना। हाँ हाँ, सही कहा तूने। ये बैग पकड़। कार्तिक, कार्तिक कहाँ जा रहा है? अपनी कार को चला रहा है। चल फास्ट चला ना। तेज चल। फास्ट चला रहा हूँ यार। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या कर रहा है? और जल्दी, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड, इस साइड। चल चल इधर, क्या जल्दी जल्दी, चल चल चल, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे अकल नहीं है क्या? अभी तेरी बाइक पे चढ़ जाती ना मेरी गाड़ी। भाई ये गाड़ी मेरी गाड़ी जैसी दिखती है और इस गाड़ी का नंबर भी सेम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मेरी गाड़ी चोरी हो गई ना। गाड़ी चोरी हो गई तो पुलिस में कंप्लेंट करो ना। चोरी करने वाला यहाँ पर गाड़ी चलाएगा क्या? अब तक तो गाड़ी का कबाड़ा बन चुका होगा। हाँ मैं गणेश बोल रहा हूँ।
हाँ नमस्ते नमस्ते, टाइटैनिक जहाज के मैंने ही पार्ट निकाल कर बेचे हैं। कैसे हो तुम? ये कोई बड़ी बात है क्या? तुमने जंक्शन देखा, वहाँ सिर्फ इंजन ही है, डब्बा सब कहाँ है? ये सब इन भाई साहब का कमाल है। जो कुछ भी लेकर आओ यहाँ सब बिक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, काम करके देता हूँ। क्या मैटर है बताओ, 10 मिनट में गणेश साहब की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरी कार चोरी हो गई है। नया देखिए, हमारी कार चोरी हो गई है। कार चोरी हो गई है? बच्चों की तरह दिख रहे हो, लेकिन तुम लोग इधर क्यों कार ढूंढ रहे हो? भाई ये सब कुछ अलग ही जगह है, तुम लोग पढ़ने वाले बच्चों हो, कार को इधर ढूंढने के लिए बताओ। भैया चाहिए तो थोड़ा पैसा ले लीजिए, थोड़ी पूछताछ करके बताइए भैया। वो सब मुझे नहीं चाहिए, मैंने कह दिया ना मुझसे नहीं होगा। प्लीज भैया प्लीज, तुम लोग कहीं और जाकर देखो भाई। भैया KV1 की कार लापता हुई है, तो उसके बारे में किससे पूछूं जिससे पता चलेगा? बेकार के बारे में इधर पूछताछ क्यों कर रहे हो? तुम लोग छोटे बच्चे हो, निकल जाओ वरना यहीं काट डालेंगे। निकलो यहाँ से। कौन है? क्या कर रहा है? क्या चाहिए तुम लोगों को? भैया टू व्हीलर्स के पार्ट्स चाहिए थे, उसके लिए आए हैं। टू व्हीलर के पार्ट्स वहाँ पर मिलते हैं, यहाँ फोर व्हीलर्स के मिलते हैं, समझ में नहीं आता। ए इधर आओ। जी भाई। तुम लोग इस जगह को ऐसे क्यों घूर रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो? चोरी हुई कार यहाँ मिल जाएगी? मुझे पता चला यही मिलती है। इस इलाके के लड़के बहुत खतरनाक है, तुम्हारे हड्डी पसली के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। चलो चलते हैं। ए श्रवण, ये देख अपनी गाड़ी का है। ए क्या कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं पापा, ये देखो क्या कर रहा है। ए कार्तिक क्या लिख रहा है? कुछ नहीं पापा, खुद ही देखिए ना, कुछ ना कुछ करता ही रहता है पापा। कोई बात नहीं, ये वही है जिस पे मैंने LOV लिखा था। हाँ यार। ए क्या लिख रहा है? आना चलने के लिए। क्या कर रहे तुम लोग? लोगों की कार चोरी हो गई है बोल रहे, हमने उठाई है। मैंने अपनी कार के साइड मिरर में LOV डैडी लिखा था। कार लापता है तो पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ, इधर आके लफड़ा क्यों कर रहे हो? कार को हम लोग नहीं चोरी किया था तू, हां लफड़ा करेगा? छोड़ दो मुझे। इन लोगों को छोड़ा मत। Yeah.
अगर दोबारा तुम लोग यहाँ पर दिखाई भी दिए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। चलो यहाँ से। किसी और ट्रैवल में ट्राई करना चाहिए, है ना? ट्राई कर रहा हूँ। पापा पापा, भैया के चेहरे से खून आ रहा है पापा। हाँ? खून आ रहा है? ए कार्तिक, ए ये सब क्या है बेटा? ये कितना खून निकल रहा है, क्या हुआ इसे? बाइक से गिर गए क्या? बहन जी पहले जाकर दवाई लेकर आइए। हाँ, मैं लाती हूँ। इधर है, चोट कैसे लगी? पापा दर्द हो रहा है पापा। क्या हुआ सरवन, चोट देख कर लग रहा बाइक से नहीं गिरे हो, क्या हुआ? छतरम बस स्टैंड के पीछे एक भंगार की दुकान है ना, वहाँ पर। हाँ तो छतरम में जो भंगार की दुकान है वही ना, उन लोगों ने ही अपनी गाड़ी चुराई है पापा। जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन लोगों ने हमें बहुत मारा। तुम्हें कैसे पता उन्होंने ही चुराई है? अंकल हमें डाउट आया तो हम अपनी गाड़ी वहीं ढूंढ रहे थे। हमारी कार की साइड मिरर जिस पर कार्तिक ने लिखा हुआ था, ये मिरर तुम लोगों के पास कैसे आया और कहा कि तुम लोगों ने ही चुराई है कार? और जब हमने उनसे पूछा तो उन लोगों ने हमें बहुत पीटा और कार भी चुराई है। देखिए तो एक दोस्त ने कार चुराई है और मेरे छोटे छोटे बच्चों को कैसे मारा है। देखा, एक तो गलती की और बच्चों को मारा भी। प्रभु गाड़ी निकाल, कौन है वो आदमी, चल दिखा। तिरुपति जल्दबाजी मत करो, जरा शांत रहो। उनके साथ हम नहीं लड़ सकते, वो लोग धंधे वाले हैं, हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं और आसपास वाले भी उन्हीं का साथ देंगे। हम लोग पुलिस में जाते हैं। सुनिए भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ऐसे अकेले मत जाइए वहाँ। हाँ पापा, बहुत ही बेकार जगह है। सुनो, कार किसने चुराई वो पता चल गया ना तो पुलिस में जाते हैं ना। क्या हुआ सर, क्या बात है? हमने कार की कंप्लेंट लिखाई थी सर। हाँ। छतरम बस स्टैंड के पीछे भंगार बेचने वालों ने चोरी की है। मेरे बच्चे जब पूछने गए तो उन लोगों ने इन्हें मारा। हम पूछेंगे तो लफड़ा हो जाएगा सर, पुलिस को भेज के पकड़िए उन्हें। इंस्पेक्टर को बिना बताए हम कहीं नहीं जा सकते, आप बाद में आइए। सर कंप्लेंट किए हुए 3 दिन हो गए लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमें नहीं मिले। सर पुलिस स्टेशन के कुछ रूल्स। कोई बात नहीं तिरुपति, जितनी भी देर हो हम मिलकर जाएंगे। सर मेरी बात सुनिए, जिद मत कीजिए, आप लोग कल आइएगा। ए कहाँ जा रहे तू? मैं सिगरेट देने जा रहा हूँ। अरे ये भी ना। अच्छा बताओ, धंधा बहुत मंदा चल रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। मेरा हिस्सा कहाँ है? दे दूंगा यार, कहीं नहीं जा रहा हूँ। सर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप अभी यहाँ मत रुकिए, कल आइए। सर इंस्पेक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं, हमने कंप्लेंट क्यों नहीं बताया नहीं क्या? जब धंधे में बड़ी डील हो तो मुझे मत भूल जाना। अरे रुको, बिल्कुल, मैं मिल लेता हूँ। सर सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सर 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 आप अंदर नहीं जा सकते। ए अंदर कैसे आ गए, पता नहीं पूछ कर आना चाहिए। सॉरी सर, सॉरी। भाई माफी क्यों मांग रहे हो, हम क्या उनकी दावत में आए जो माफी मांगे? गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। शांत हूँ मैं, कार की कंप्लेंट किए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखो कार चोरी करने वाला चोर इंस्पेक्टर के सामने कैसे आराम से बैठा है, अंदर डालने के बजाय बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे बच्चों को कितना मारा था और इनका कुछ नहीं कर रही है। सुनो हमारी गाड़ी चोरी हुई है तो हम शांत कैसे बैठ सकते हैं? मैं चुप नहीं रहूंगा। शांत रहो। हमें शांत रहना होगा, हम मिडिल क्लास के हैं ना, हम लोग नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार की क्या हालत होगी यही सोचते रहते हैं। हमारे लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, हमें तो शांति से रहना पड़ेगा। ए, आवाज नीची कर अपनी। हाँ सर, हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं है। आप जैसी पावर तो नहीं है हमारे पास और इसके जैसी काबिलियत भी नहीं है। ए, इस आदमी को बाहर निकालो, बदतमीजी से बात कर रहा है, मैं कुछ कर दूंगा इसका। क्यों सर धमकी दे रहे हो? चलिए सर, सर चलिए सर, बाहर चलिए सर, मैं देख लेता हूँ। सर्वेंट पापा को लेकर जाओ। पापा ठीक है बेटा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा, बात नहीं करूंगा। ठीक है मैं चुप हूँ, चलो आप लोग बात कीजिए, करिए। सर वैसे ये गुस्सेल इंसान नहीं है लेकिन बच्चों की हालत देखकर गुस्सा हो गया। ठीक है अभी तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, जाओ अपना काम करो। हमारी गाड़ी का साइड मिरर इनकी दुकान से मिला है, उसकी पूछताछ करने पर इनके लड़कों ने बच्चों को मारा। ठीक है मुझे क्या करना है वो भी तुम ही बता दो। आप इंक्वायरी कर लो सर, सारी सच्चाई सामने आएगी। इंक्वायरी करनी है तो पहले तुम ही जाके कर लो। हम जाके करें और क्या, तुमसे पहले इन्होंने कंप्लेंट दी है। इन्होंने किसकी कंप्लेंट की है? तुम लोगों के ऊपर, तुम्हारे बच्चों ने शराब के नशे में इनके आदमियों को मारा, वो हॉस्पिटल में है, इसके लिए तुम लोग क्या करोगे? सर बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये शराब पीते ये बात गलत है। लग रहा है ये लोग मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक जानते ही नहीं है, और ये इसकी शक्ल से ही लगता है कि अपने बच्चों को बियर पिलाता होगा, पता नहीं कैसे बच्चों को पालता है। तेरे जैसे इंसान ही क्या करते हैं, हमने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला समझे? तिरुपति अगर तुम ऐसे बात करोगे तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ जाना चाहिए वहाँ चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो। सर इन लोगों की एसपी से थोड़ी पहचान है ना, इसीलिए इन लोग इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, पर अब उनका ट्रांसफर हो चुका है। सर 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 मैं जो कह रहा हूँ आप उसे गलत मत समझिए, जब तक ये इंस्पेक्टर यहाँ पर है आपको FIR मिलेगी नहीं सर।
जब दूसरा इंस्पेक्टर आएगा तभी काम हो पाएगा। तब तक आप अपने बच्चों को इसकी नजर से दूर ही रखिए। वो झूठा केस डालकर आपके बच्चों को अंदर करवा सकता है। इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान सब देख रहा है। चलो, गुनाह करने वाले खुलेआम जी रहे हैं और हम जैसे लोग छुप कर जी रहे हैं। पापा चिंता मत करो, हम चाहे तो डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां जाएंगे तो क्या न्याय मिल जाएगा? वो भी सही है, बेवजह क्यों यहाँ वहाँ घूमे, कल वार्ड मिनिस्टर के पास चलते हैं। साहब आ गए। नमस्ते। बैठिए बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? आप अपने बोर्ड में ही है ना सर? अरे रे, आप लोग अपने हैं, बैठिए ना। क्या पियेंगे? धन्यवाद सर, कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों के जाने के बाद उनको बुलाना। सर, अभी बाहर जाओ। मुझे क्या करना है वो बताइए, मैं तुरंत कर दूंगा। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ सर, और ये मेरे बच्चे। नमस्ते सर। सर 10 साल की मेरी एक बेटी भी है। परिवार अच्छी तरह से चला रहा था, मुझे ड्राइवर की नौकरी से भी निकाल दिया गया सर, पता नहीं क्यों सर। मैंने बीवी के सारे जेवर, मेरे बच्चों की पढ़ाई का पैसा, सब कुछ मिलाकर एक कार खरीदी थी सर। मैंने जिंदगी की नई शुरुआत की और फिर वो कार चोरी हो गई। जब उसका पता लगा तो उसने मेरे बच्चों को बहुत मारा। पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया, कोई एक्शन नहीं ले रहा सर। जितना लड़ सकता था लड़ा सर, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह क्या, इन लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया, पहले आना चाहिए था ना। मुझे लगा कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला सर, इसीलिए अब आपके पास आए हैं सर। उन लोगों को मैं देख लूंगा। कुमार, वो इंस्पेक्टर किस गांव का है, किस थाने में है, उसका परिवार, सबकी इंक्वायरी करो। और वो भंगार वाला है ना, उसके भी डिटेल निकालो। ठीक है। बाप का पुलिस स्टेशन है क्या? जो मर्जी है वो करेगा, मासूम जनता को सताएगा क्या? आप लोगों ने जो बताया वो लिखकर मुझे दीजिए, उसके साथ क्या करना है मैं देखता हूँ। अपना कीमती वक्त दिया इसलिए धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अरे ये तो मेरा काम है, आप लोगों की वजह से तो हम आपकी सेवा के लिए चुने जाते हैं। हम मंत्री हुए तो क्या हुआ, आप लोगों को कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास आइए, मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है? चलते हैं। बहुत प्यास लग रही है पापा। पापा बहुत प्यास लग रही है मुझे। भाई पीने का पानी कहाँ है? हाँ इधर से जाइए, जो पानी वहाँ मिलेगा। रुको मैं भी आता हूँ। ठीक है चलिए अंकल। हाँ ठीक है, पानी पीकर आइए, मैं बाहर रुकता हूँ। मालिक आपने बुलाया? जरा भी अकल नहीं है क्या तुझमें? बाहर बातचीत करके अंदर भेजना चाहिए ना, सीधा अंदर भेज देगा तू। उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं। इस वार्ड में रहने वाले 54,650 लोग जानते हैं मुझे, सबको अंदर भेज देगा तू। सब लोग मुझे पहचानते ही होंगे ना। 10 पैसे की औकात नहीं है इन भिखारियों की, और सुबह सुबह आकर दिमाग खराब कर दिया। अभी तक 4-5 कॉन्ट्रैक्टर आए होते तो पैसे मिलते मुझे। चुनाव के दिनों में इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर घूमता हूँ मैं। लोकल पुलिस वालों से और गुंडों से बिगाड़ कर नहीं रहना है, 5 साल तक रहना है मुझे। ये बात समझ में नहीं आती क्या? नेतागिरी करने चला है, जा। क्या हुआ बेटा? पापा। क्या हुआ बताओ ना। पापा हम लोग जैसा सोच रहे वो मिनिस्टर वैसा नहीं है पापा, सच में। दरअसल ये हमारी आखिरी उम्मीद थी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। 2 बुरे इंसानों ने हाथ मिला लिया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर सर नमस्ते सर। हाँ। मेरा नाम तिरुपति है, पेपर में आपका एड देखा, आपको ड्राइवर चाहिए? 25 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ। 25 साल से? हाँ सर 25 साल से। सॉरी सर, ये IT कंपनी है, हमें थोड़ा यंग ड्राइवर चाहिए था। सर 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 ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं टाइम पर आऊंगा, टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो चला लोगे पर आपकी एज आपका साथ नहीं देगी। हेलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या हुआ मम्मी? बेचारे तुम्हारे पापा, हमारी वजह से इन्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा, कुछ ये सब देखा नहीं जा रहा है बेटा। मम्मी मैं तो बड़ा लड़का हो गया ना, मैं एक अच्छी सी नौकरी देख लेता हूँ। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ मम्मी। पापा क्या बोलेंगे? मम्मी क्या है? नहीं जी, श्रवण कह रहा था कि मैं एक नौकरी कर लूँ क्या? हाँ पापा। जो ठीक से नहीं पढ़ते वो नौकरी ढूंढते, ठीक से पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, परिवार को बाद में संभालना। परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, अभी ताकत है मुझमें, जाकर अपनी पढ़ाई करो, समझे ना। नौकरी मत ढूंढो, गरम पानी रख दो, बच्चों को भड़का रही थी क्या? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ये पापा मैंने ही बोला था। हाँ मैंने ही बोला था। जाओ। शिल्पी तुम्हारी मोबाइल की दुकान पे बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं ना? हाँ। उनसे पूछना था कि इसके लिए कोई पार्ट टाइम जॉब मिलेगी क्या? ए, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने में अभी 6 महीने हैं, इतनी जल्दी क्यों? नहीं यार, मेरे पापा के पास कार नहीं है ना, तो इसलिए नौकरी ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है। ए, रुक रुक रुक, जिसने उस दिन मुझे मारा था वो यही है, यही है। क्यों रे,
तूने मेरे दोस्त को मारा? यही है वो। हे, मेरे फ्रेंड को मारा था ना, अब मार के दिखा। अबे पहले अपने फ्रेंड से पूछो क्या किया है, इन पे क्यों चिल्ला रहे हो? उसने जो किया गलत है, अभी इसको बोल पैर पड़ने के लिए, समझी? क्योंकि इसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया है, इसीलिए इसको माफी मांगनी पड़ेगी। तू यहाँ लफड़ा करने आया है क्या? इसने गलत बिहेव किया था इसलिए उसने मारा। तू इस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है क्या? तू ज्यादा बोल रहा है। ए, इसे हाथ लगा कर देखा, तू बस देखा, दिखा ना। हम बाद में निपटते हैं, पहले तू उससे निपटते हैं। ए रे, मारो इसको, मार मार इसको, छोड़ना मत, मार इसे, छोड़, हां मार इसे, मार इसे, छोड़ना मत, मार इसे। लोग इधर आओ। हे, क्या लफड़ा चल रहा है? सर, इसने मेरे फ्रेंड को मारा है और मैंने पूछा तो मुझे भी मारने लगे ये लोग। कौन है वो? वो देखिए, वो लोग है सर। ये लोग हैं, मेरे हाथ लग गए आज। पेपर लेकर आओ, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखो। ओके सर। तुम लोगों को ना, हाँ। ये लो, लिखो, ये ले, लिखो, लिखना लिखना, हाँ तुम लिखो। ओके सर। ए, सिर्फ एक ही नहीं, तीनों नाम लिखना, समझे? तभी स्ट्रॉन्ग केस डाल सकते हैं इनके ऊपर। इतने दिनों मेरे हाथ से बचते रहे, एक मजबूत केस मिला है, अब बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही नॉर्मल कुछ मत लिखना, हथियार वथियार भी लिख देना इसमें, तभी स्ट्रॉन्ग केस बनेगा। अब तो ये लोग गए काम से, समझे ना? साइन कर, साइन कर। ए अरविंद, हाँ? इसे पढ़ो। अरे पढ़ ना साहब। हम लोगों के रिस्पेक्टेड ऑफिसर, आम लोगों की गली में लाइट जलने की वजह से कुछ सामूहिक घटनाएं घटती रहती है, किसके घर में कौन जाता है कुछ समझ में नहीं आता। जो लिखा है वो पढ़, फालतू बातें करता है। यही सब लिखा है सर इन्होंने। क्या कर रहे तू? हाँ साहब, ऐसे ही लिखकर इन्होंने साइन किया है, देख लीजिए। अरे मेरा मजाक उड़ाता है। ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, हमारी आज लड़ाई हुई कल दोस्ती भी हो जाएगी। आपको बेवजह टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो काम है बस वो करिए। तुम लोग मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो सर? हमारी इतनी हिम्मत, हम आपसे मजाक करेंगे? पहले इसे उठा के अंदर डाल। अगर हमें पकड़ा तो हम आपका वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो पूरी सोशल मीडिया में फैला देंगे, आप छुकर दिखाओ। ए, इतना सा तो है तू, जबान बहुत लंबी है, हैं? पुलिस स्टेशन में दिखाता हूँ तुझे, गाड़ी में बिठा इसे। अरे दोस्तों, फोन निकाल के वीडियो बनाओ और फेसबुक पे डालो, जल्दी करो, और व्हाट्सएप पे डालो। क्या करने वाले हो तुम लोग? नहीं सर, ये कॉलेज के बच्चे छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल देते हैं, और ऐसी वीडियो फैलने से प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सर। पहले टीवी पर आएंगे और फिर हम निकाल दिए जाएंगे। सर नहीं चाहिए सर, चलो सर। वीडियो मत निकालो, बंद करो, कह रहा हूँ ना, बंद करो सर, चलो। हाँ बंद करो, नहीं लेके जाएंगे, बंद करो, हाँ बंद। ए बाबा बंद करो, और उसको पोस्ट मत करना जो भी निकाला है। हाँ घर पे जाओ अपने अपने। थैंक्स यार। हेलो, हम लोगों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, तूने मेरे दोस्त को मारा है, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। चल छोड़ना यार, तुझे तो माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ चलो। हमने तो कुछ और ही सोचा था। कल स्कूल में छुट्टी है। हाँ यार, कुछ फंक्शन है। हाँ ठीक है। तेरे स्कूल में हमेशा छुट्टी रहती है, तुझे जलन हो रही है क्या? क्या हुआ, रुक क्यों गया? ये तो पापा है। हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगा। कहाँ रखना इसे? सेकंड फ्लोर। अच्छा, हाँ बोलना। अरे पहुंच जाऊंगा ना, ठीक है देख लेंगे। अरे उससे भी बात कर लेंगे। हेलो, मैं पास में हूँ मैडम। हाँ बस जल्दी आता हूँ। हाँ आता हूँ। नहीं, हम लोग यहाँ पर हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। कितने अच्छे हैं। गुदगुदी हो रही है। पापा चुप रहिए ना। गुदगुदी हो रही बेटा, ऐसा होता है पापा। अरे खून जम गया है, ऑयल लगा लेना चाहिए था ना, ये बिना तेल के थोड़ी ठीक होने वाला है। इतना फालतू खर्चा नहीं करना, दिखाइए। कितना बड़ा घाव है, मुझे तो लगा था थोड़ा सा लगा होगा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी? छोटी मोटी चोट है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, लगा दो। है आप भी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना। क्या हुआ? पापा, फ्रेंड की बहन की शादी है, आज रात को रिसेप्शन है। हाँ तो? नहीं पापा, क्लोज फ्रेंड है तो जाना ही होगा, इसलिए मैं और कार्तिक जाकर आते हैं। उसकी शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठकर चुपचाप पढ़ाई करो दोनों। रुको ना,
शादी कहाँ पर? यही पास में पापा। कोई फ्रेंड साथ में जा रहा है? अपने पड़ोसी प्रभु है ना, वो भी उसका ही फ्रेंड है ना, इसलिए वो भी जा रहा है। प्रभु जा रहा है तो उसे जाने दो, उसके घर के हालात वैसे हैं, जा सकता है, हम मैनेज नहीं कर सकते। अपनी प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, बच्चों को दोस्तों के साथ हंसते खेलने दो। क्या जी आप भी। राजी उन्हें कुछ पैसे भी दे दो। हाँ इस घर में मेरी सुनता ही कौन है वैसे भी। पैसा लेकर आओ, बेवजह मूड मत खराब करो। देती हूँ, आप रोज कमा कमा कर लाइए और आपके बेटे बस खर्च करते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है मिनिस्टर जी, मिनिस्टर जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा है। अरे सबको नमस्कार, बैठिए बैठिए। हेलो बेटे, बधाई हो। आइए सर। सर एक सेल्फी चाहिए। क्या है बेटी? सेल्फी चाहिए, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। बड़ा मजा आया भाई, सामान उतपा देना। बस बस सर। आपको सर? नहीं बेटा। अच्छा तुम तिरुपति के बेटे हो ना? हाँ सर। मैंने तो सुना था कि तुम कॉलेज के फाइनल ईयर में थे, तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? नहीं वो ऐसे ही। अच्छा ये कार्तिक का बेटा है ना? हाँ सर। ये भी तो प्लस टू में था ना? अच्छा फोन करता हूँ मैं, जरा हो क्या रहा है। सर 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 सर, 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 सर उनको सर, पता नहीं है सर, सर, सर प्लीज सर। लेकिन तुम लोग इस तरह से छुपा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? अरे हाँ, पढ़ने लिखने की उम्र है, जाओ पढ़ो लिखो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये सब अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू हो गया ना मैडम, चलता हूँ। भले लोग हैं तुम्हारे माँ बाप, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ अच्छा। नमस्ते सर। नमस्ते। हम लोगों के परिवार जिस हालात में है, हम लोगों की पढ़ाई का खर्चा कुछ ज्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पापा का बोझ कम कर दूं, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर हैं, पापा को नहीं पता है अंकल, फ्रेंड की बहन की शादी यही बोलकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्लीज पापा को मत बताइएगा अंकल, प्लीज सर। संभल कर। ए क्या करता है, कार में स्क्रैच लगा दिया तूने। कार को देखकर निकलना चाहिए था ना। मिनिस्टर की कार है, देख के नहीं चला सकता। मिनिस्टर की गाड़ी है, समझ में नहीं आता। तेरी बहुत ज्यादा दबाव चलती है। मारो उसे, मारो उसे, और बैठ। तेरी सच्ची बहुत चलाता है। छोड़ दीजिए उसे, मत मारिए। गाड़ी दे दो मुझे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जाओ जाओ, बहुत मार लिया उसको, छुड़ा दो। हे अपने कार के पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाला कौन है? वो जो अंदर बैठा है, लेकिन उसकी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच आया तो उस आदमी को कितना मारा है लोगों ने। वो मिनिस्टर है इसलिए अपना पावर दिखा रहा है। अपनी कार को इन लोगों ने कितने टुकड़ों में बेचा है, उसी तरह हम इनकी भी गाड़ी बेच देंगे। क्या बोला तूने, एक बार और बोल। लोगों ने हमारी कार बेची है तो हम लोग भी इनकी कार बेच देंगे, तो पुलिस वाले चुप रहेंगे क्या? कार को बेच दोगे तो मिनिस्टर छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, तो फिर उस आदमी की कार हम लोग उठाते हैं। करेक्ट है यार, बिल्कुल सही। हे यहाँ पर तो बहुत भीड़ है यार, मिनिस्टर की कार कैसे चुराएंगे यार? लाइट बंद कर देते हैं। जनरेटर को मैं खराब कर देता हूँ, तुम करंट के वायर को कट कर देना। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर के पास से कार की चाबी उठाकर आ जाना। हम तीनों के पास 5 मिनट का टाइम है। हेलो, अरे बोल मेरे यार। नयन तारा कहाँ पर, अपने मंडल पे क्या कह रहा है? सच में मैं अभी आता हूँ दरवाजे पे। हाँ अबे नयन तारा आ रही है, चल मैं देखता हूँ। सर जीपीएस मिल गया क्या? जीपीएस दूसरे की गाड़ी में है। जीपीएस दूसरे की गाड़ी में है तो मेरी गाड़ी कहाँ है? ए, क्यों चुराई उस आदमी की गाड़ी? ये सब बाद में बताता हूँ, हम लोगों ने जो बोला वो रेडी है? वो सब मैंने कर दिया है। ये कार सब का क्या कलर है? चेंज करने के लिए। अरे कार के कलर के साथ साथ नंबर प्लेट भी चेंज करना होगा। ठीक है, गाड़ी एकदम दूसरी दिखनी चाहिए। आइए। क्यों बेटी, इतनी रात को क्यों बुलाया तुमने मुझे? ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या किया इन लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए भाई। तुमने मुझे अभी यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या हुआ, कुछ बताते क्यों नहीं? भाई ये कार है। हाँ ये कार है, तो क्या हुआ? किसकी कार है ये? बड़े आदमी की कार लगती है। मिनिस्टर की गाड़ी है। मिनिस्टर की कार है तो यहाँ क्यों लेकर आए हो? किसी ने खड़ी नहीं की है। हाँ
हम लोग चुरा कर ले आए। चुरा कर लाए हो? ए, ये क्या है? सुनते ही सर घूमने लगा मेरा। तुम लोगों ने कार क्यों चुराई? अपने परिवार का कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जहां हम काम पर गए थे वहां मिनिस्टर भी आए हुए थे। तब एक आदमी ने उनकी गाड़ी पर स्क्रैच कर दिया था। तभी मिनिस्टर ने उसे बहुत मारा, लेकिन हम लोगों की कंप्लेंट का कुछ नहीं किया उसने। भाई, गुनेगारों को कैसे सबक सिखाए समझ नहीं आ रहा था। अब आप ही हमारी मदद कीजिए ना। प्लीज भाई। हाँ ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ? घर वाला एक आदमी, उसे कैसे भी करके ये कार भेज दो तो समझो काम हो गया। अगर उसको पता चला कि मिनिस्टर की कार है, गाड़ी का कलर व्हाइट था लेकिन हमने पूरी तरह बदल दिया कार को। करेक्ट, सही है। गलती करने वाले को ऊपर वाला देखता है लोग कहते हैं, लेकिन ऊपर वाला कब देखेगा? मैं ही उसको सजा क्यों नहीं दे दूं? ठीक है, हम लोग क्या करें अब? भाई आप इस गेटअप में जाओगे फंस जाओगे। अब मैं मटन वाला भाई बनकर नहीं जाऊंगा। अच्छा, मुझ पर भरोसा करके कौन खरीदेगा? वो कुछ नहीं है भाई, वहाँ पर एक कटिंग गणेशा करके घूमता रहता है, उसे पकड़ लिया तो अपना काम पूरा हो जाएगा। कटिंग जाके गटर का पानी पी। ओके, देयर यू ऑन। अरे और क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो बुला लूंगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है बॉस। हाँ नमस्ते, और कुछ लाऊं क्या? कटिंग। अरे जाए यार, तेरी तो निकल यहाँ से। ठीक है, एंजॉय भाई। कोई भी लोग पीने का अलग ही मजा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। नमस्ते बॉस। हे हे, निकल निकल निकल। ओके ओके। यहाँ पर कटिंग किसका नाम है? ये मिस्टर कटिंग जी, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। बॉस कमिंग। बॉस आई एम कमिंग फ्रॉम मलेशिया। आई एम कटिंग गणेश फ्रॉम बिहार। आइए गाड़ी में बैठकर बात करते okay. हैं। उन्होंने दुकान लॉक करने के लिए बोला था ना, अभी तक खोले हुए तुम। चलो, सारी गाड़ियों को अंदर कर दिया है। ये गणेशा किसके साथ है? है? क्या बात है? क्या है कटिंग गणेशा? तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? भाई को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। जाओ बुलाओ। अरे आने देना गणेश। हाँ चलो। क्या गणेश इस वक्त आकर लफड़ा कर रहा है? जो कुछ भी है सुबह बात करेंगे। अभी जा। क्या सुबह बात करेंगे? मलेशिया पार्टी को कार के साथ डील करने के लिए लाया हूँ। दोस्त अंदर आओ, अर्जेंटली पैसे चाहिए, गाड़ी को लेकर डील खत्म करो। गणेश ये सब अभी ठीक नहीं लग रहा है, अभी यहाँ से जाओ। बड़ी पार्टी है मलेशिया से आई है, जब भी मलेशिया से आते हैं ना तो सीधा मुझसे मिलते हैं। तेरे बारे में इतना बताया और तू मेरा इंसल्ट कर रहा है। गाड़ी के पेपर इंश्योरेंस सब है ना? देखिए, ये सब होता तो मैं कंपनी में नहीं भेज देता। आपके बारे में पता चला तो मैं आपके पास गाड़ी लेकर आ गया कि अच्छे दाम में मिल जाएगी। ये रात का समय है, 20,000 का टोकन अभी दे देता हूँ। विश्वास हो तो गाड़ी छोड़कर जाओ और बाकी का सुबह ले लेना। ए गणेश, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? ठीक है, ले लीजिए। क्या ले लीजिए? वो अपना रेट बताएंगे तभी तो मैं ले लूंगा ना। सर, ये जो भी गाड़ी यहाँ पर बेचता है उसमें 3 हिस्सेदार होते हैं। अरे बोलो ना गणेश। हाँ फ्रेंड, टोकन ले लीजिए। अच्छा रेट है, लाइए दीजिए। ये लो। ओके, गाड़ी में से मैं अपना सामान निकाल लेता हूँ। गाड़ी की चाबी अंदर ही है। मेरा भी ख्याल। आइए आइए। ए गाड़ी देख। ठीक है भाई, लाइए बॉस। जल्दीबाजी मत कीजिए ब्रदर, चलिए। ये लीजिए, थैंक यू। और बात कराने के लिए थैंक यू, थैंक यू। मलेशिया पार्टी, अच्छा है, सुपर। चलिए चलिए। फोन आ रहा है, पूछना। हाँ, पूछता हूँ। हाँ श्रवण, मैं भाई बोल रहा हूँ। बोलिए भाई। बंगार वाले ने मुझे कार का सिर्फ 20,000 रूपए एडवांस दिया है, बाकी के पैसे सुबह देने के लिए बोला है। भाई हम लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है, वो कार को काट कर बेच देगा। काट कर बेचना? भाई मैंने जो प्लान बनाया ना वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बाकी बात हम बाद में बताते हैं। ठीक है ठीक है, वेट करता हूँ, आओ। वो कार बेचने वाला अभी तक आया नहीं है, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। हाँ भाई। अच्छा सुन, गाड़ी को काट कर अलग कर देना। ठीक है भाई, कर दूंगा। ए, जल्दी जल्दी कर। हाँ हाँ ठीक से काट। ए, जल्दी कर। हाँ चला। क्या हाल है सेठ जी? नमस्ते। हाँ आपसे ही बात करनी है। निकलो। हाँ नई कार है, फॉर्च्यूनर है। हाँ भाई जी, चले चल। हाँ बिल्कुल फ्रेश कार है सेठ जी। बम्पर आपने पूछा था ना? हाँ फॉर्च्यूनर का बम्पर है, नई कार है, फ्रेश पीस है। पैसे के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले सामान तो ले लीजिए। ए, वो तुम्हें कहीं मिला नहीं क्या? इधर उधर हर जगह देखा भाई, वो कहीं पर नहीं मिला। चिंता मत कीजिए भाई, उसे ढूंढ लेंगे हम। अरे कहाँ ढूंढने का तो उसे। अरे आप भरोसा रखिए हम पे। ए लोबो। सर नमस्ते। नमस्ते वगैरह छोड़ो सर,
एक हफ्ते तक कोई भी गाड़ी मत खरीदना। क्यों सर? पता नहीं, लेकिन मिनिस्टर की गाड़ी चोरी हो गई है। मिनिस्टर की गाड़ी? राज्य का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस गाड़ी को खोज रहा है। अभी अभी वायरलेस में मैसेज आया है। कौन सी कार है सर? व्हाइट कलर फॉर्च्यूनर कार है। फॉर्च्यूनर? ऐसे क्या देख रहा है? तूने ही गाड़ी चोरी की है क्या? सर कल रात मेरे पास मलेशिया की एक पार्टी आई थी, एक व्हाइट कार को ब्लैक करके मेरे पास ही बेच कर गया है। मेरे आदमियों ने तो उसे काट भी डाला। क्या सर? रे, थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? उसने अभी तक पैसे नहीं लिए। पैसे भी नहीं लिए उसने? नहीं सर। किसी ने हमें फंसाने का प्लान बनाया है। सर मलेशिया पार्टी कौन है? सर मलेशिया की पार्टी को सिर्फ कटिंग गणेश ही ढूंढ कर ला सकता है। भाई उसे मेरे पास लेकर आया था। कटिंग? हाँ सर। वो कहाँ मिलेगा? सर कटिंग गणेश सर। अरे रुको रुको रुको, पीछे लो पीछे लो। देखो क्या कर रहा है। देखता हूँ सर। ठीक है सर। Hey. अरे क्या कर रहे हैं सर? Hey, क्या कर रहे हैं? अरे सर अरे ले आना इसको, तुझे जल्दी करना है। मलेशिया पार्टी है सर, माय फ्रेंड सर, फूल सर। अच्छा सुपर फूल सर। सर ये बोल रहा है कि मलेशिया की पार्टी है। मलेशिया पार्टी? हाँ सर। तो कार की पार्टी होगी, इसे गाड़ी में बैठा सर। hey, चल अंदर चल। आपकी कल शादी है और आज बोल रहे हो? ठीक है भिजवा दूंगा। सर बाद में बात करता हूँ। हेलो, ये इस तरह क्यों भाग के आ रहा है? पता नहीं यार। अरे भाई का फोन आया है। भाई भाई पूछना, बहुत टेंशन में लग रहे वो। बोलिए भाई। कटिंग गणेश को अभी अभी पुलिस पकड़ कर ले गई है। पुलिस ने पकड़ लिया, अभी क्या करेंगे भाई? ये फोन पर नहीं बता सकता, आ जाओ बताता हूँ। ठीक है भाई हम लोग आते हैं। ए, भंगार वालों को तूने बेची थी कार? सर नशे में है, अब गुस्से में पूछ रहे इसलिए डर रहा होगा। बच्चों की तरह प्यार से पूछूं? प्यार से नहीं, थोड़ा शांति से पूछिए सर। शांति से? ए साहब बुला रहे हैं। गणेशा देखा कितनी चर्बी है इसके अंदर, मारू क्या है? सर कुछ पूछ रहे ना। सुनो वो कार की पार्टी कौन है बताओ। गणेशा बताना वो कार की पार्टी कौन है। गणेश मलेशिया पार्टी सर, माय फ्रेंड। ये बोलेगा सर? फुल सर, फुल सुपर सर। सुपर वाला कार पार्टी कौन है सर? मलेशियन पार्टी सर। मलेशिया वाला माय फ्रेंड सर, फुल्ली सर, सुपर सर। मेरी बात ध्यान से सुन, वो कार पार्टी वाला कौन है? सर जो पूछ रहे उसका जवाब दो। चल कार पार्टी वाला कौन है? ए देना बाबा। ए पार्टी कौन है पूछ रहे ना, जवाब देना। मलेशियन पार्टी सर। ठीक है सर। माय फ्रेंड सर। ठीक है। फुल सर, सुपर सर। अरे बेवकूफ कहेगा, ये थी बार में तरफ भेजा बाहर। हाँ, निकाल दीजिए बाहर सर। गणेशा क्या है? ये मेरे पति हैं साहब। तुम्हारे पति से एक केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, अभी नहीं भेज सकते। बाहर जाओ तुम, बाहर जाओ। मलेशियन पार्टी सर। शुरू हो गया सर। फुल सर, सुपर सर। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अब तक यही बोलता रहेगा तू? अब तक बोले तो सर, पिछले दो दिन से घर पे यही बकवास किए जा रहा है ये। सर मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसे छोड़ने के लिए कहने नहीं आई हूँ सर, इसे पकड़ के जेल में डाल दीजिए ये कहने। अरे सर, सर आपको बहुत पुण्य मिलेगा सर, इसे घर की तरफ आने ही मत दीजिएगा, कुछ भी कीजिए इसका। अगर ये गलती से भी घर की तरफ आ गया ना सर, तो मैं ही इसे मार डालूंगी। जब देखो यही बोलता रहता है, देखना भी मत घर की तरफ। देखा क्या बोला उसने सर? अरे यार इसकी बीवी को भी इसकी जरूरत नहीं है। गणेशा अरे सर क्या पूछ रहे वो बताना। पानी लेकर आ, पानी पिला के पहले इसका नशा उतार, नहीं तो हैंडपंप के नीचे बिठा दे। सर यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, आपको तो पता ही है। अरे पहले ले जाके इसको नहला, हैंडपंप पर ले जा इसको, पूरा नशा उतार कर ले आना इसको। क्या क्या करना पड़ता है रे बाबा, आज तक मैंने ऐसे किसी को नहलाया नहीं था। अगर ऐसा करता तो इस पोस्ट पर भी नहीं होता है ना। इतना पानी डाल रहा हूँ पर ये होश में ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ इसका। अरे बाप रे, अब तो हैंडपंप का पानी भी खत्म हो रहा है, अब पानी कहाँ से आएगा। मेरे हाथों में तो दर्द होने लगा है। अरे तेरे तो हाथ ही दर्द हो रहे हैं, पर मेरे तो हाथ पैर पूरा बदन दर्द हो रहा है। अरे बाबा आज तक अपने घर पर एक बाल्टी पानी नहीं भरा, पर इतना पानी डाला इस पर इसका नशा उतरा ही नहीं है अब तक। सर इसके ऊपर पानी डालने से कुछ नहीं होगा, इसे तो पानी में ही डुबाना चाहिए। अरे डुबाने की बात ही मत कर, इसे कहाँ लेकर जाए और डुबाए। अरे कुछ तो बोल है शराबी, नहीं तो मर जा। मुझे गाली दे रहा है? पूरा नहला दिया मुझे। ए बाबा इसका नशा उतर गया रे, जाकर सर को बुलाओ, जाओ। बुलाता हूँ। अरे बाप रे सर,
कैसा इंसान है तू? हमारे जैसों की हालत बेकार कर दी। अब ये लोग यहाँ क्यों आ गए समझ में नहीं आ रहा। ए सुनो, हाँ वो कार पार्टी वाला कौन है, कुछ बताया इसने? नहीं बताया, अभी तक कुछ भी नहीं बताया इसने। एक ही बात बार बार पूछकर मैं भी बहुत थक गया हूँ। क्या कहा? एक ही बात बार बार पूछ के थक गया है? अभी देखना तुम 10 सेकंड में मुंह खोलकर सच्चाई बोलेगा। अरे जा रे जा, 10 घंटे से पूछ रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो गई है और 10 सेकंड में तुम बुलवाओगे? जा जा जा। पीने के लिए इन लोगों ने शराब का आविष्कार किया, नशा उतारने के लिए भी किसी चीज का आविष्कार करते तो अच्छा होता। मेरा समय आज बच जाता और मैं भी अंदर गया हुआ आदमी अभी तक बाहर नहीं आया। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी देखना सच्चाई बोलेगा ये। अरे इसका नशा उतारने के लिए कितनी मेहनत की थी मैंने, सब बर्बाद कर दी। अरे कमीने, इतनी शराब क्यों पी रहा है, ऐसे क्यों ठूस रहा है? एक बार अंदर जाएगी सब बाहर आएगा। सर पी पी, मजे से उतरा क्या? अरे इन लोगों ने फिर से दारू पिला दी, खत्म कर दे पूरी बोतल। अब तो मुझे भी चक्कर, मैं तुम्हारा नशा नहीं उतार सकता। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा, बच्चे को ढूंढते हुए बाप आ रहा है वैसे आ रहा है ये, उसको उठाकर गाड़ी में डाल दो। पकड़ पकड़। अरे मम्मी, चलो चलो अंदर, चलो चलो चलो, दरवाजा पकड़ के रखो। चलो चलो। अरे ए गणेश, इनको माफ कर दे यार, इन लोगों ने गुस्से में आकर मिनिस्टर की गाड़ी चोरी कर ली और इन लोगों ने मिलकर उसे भंगार वाले के पास बेच दिया। और भंगार वाले को ये पता नहीं था कि ये मिनिस्टर की कार है, उसने काट डाला और कार की इंक्वायरी करते हुए पुलिस वाले ने तुझे पकड़ लिया। इन लोगों को फंसाना मत मेरे भाई। मेलेशियन पार्टी सर, मेरा फ्रेंड है सर, सुपर सर, सुपरफुल सर। मैं मलेशिया पार्टी बनकर तेरे पास गया था, किसी को बताना मत। मलेशियन पार्टी मेरा फ्रेंड सर, फुल्ली सुपर कूल। मैं कौन हूँ ये नहीं जानता है यार। भाई अभी हम क्या करेंगे? इसे इधर ही छोड़ देते भाई। नहीं नहीं, अगर इसे हमने छोड़ दिया तो दोबारा इसे पुलिस पकड़ लेगी और अगर उन्होंने इसका नशा उतार दिया तो ये सच्चाई बता देगा, हम सब फंस जाएंगे। इसे किसी और जगह पे छोड़ देते भाई, जहाँ इसे कोई पकड़ ना पाए। करेक्ट। चला जा। बहुत उछल रहा था ना, इसके मुंह में मार, मार इसके मुंह में। चुप कर, तू चुप रहे। मेलेशियन पार्टी सर, मेरा फ्रेंड है सर। क्या हुआ भाई? सुपर सर। श्रवण, गाड़ी आ रही है, उसको रोको। हाँ ठीक है भाई। ये तो उसकी गाड़ी है। भैया 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 भैया, रुक जा रुक जा। गाड़ी रोकी। ए चलो भाई। हाँ, चलिए भाई। क्या हुआ भाई? ड्राइवर भाई, इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसने बहुत शराब पी रखी है, इसे आगे छोड़ देना प्लीज। अच्छा ठीक है, बिठा लो। थैंक्स थैंक्स भाई। ए चढ़ाओ, गाड़ी में चढ़ाओ। चलो चलो चलो, लेकर आओ लेकर आओ। हाँ सुनो, इसको दिल्ली वाली गाड़ी में भेज देते हैं। नहीं नहीं भाई, पांडिचेरी जाने वाली गाड़ी करेक्ट है, उसे वापस नहीं आ पाएगा। चलाओ चढ़ाओ चढ़ाओ उसको। चढ़ा दो। अब बंद करो, बंद करो, बंद करो, उतरने ना पाए। My friend. ले लो ले लो। ए बंद कर, बंद कर, चलो बंद करो। ए पहले मत उतरना, वहीं उतरना। बाप रे, किसी तरह उससे पीछा छूटा। हे तू बात कर, उसको दे मुझे दो। बात कर। हाँ हेलो कंट्रोल रूम। हाँ बोलिए। क्या हुआ? रुकना। हेलो हेलो, आप मिनिस्टर की कार को ढूंढ रहे हैं ना? वो पालमखेर की भंगार की दुकान पर है और उस कार को भंगार वाले ने ही चोरी किया है। और सबसे जरूरी बात, इसमें लोकल इंस्पेक्टर भी इन्वॉल्व है। हेलो, कौन हो तुम? सर नमस्ते सर। कंट्रोल रूम से आपके लिए फोन आया है सर। हेलो। कौन सा एरिया है? ओके थैंक यू सर। कितने महीनों से इस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ सर। सर से एक मिनट बात करनी है। जी ठीक है सर, देख लूंगा। सर कमिश्नर का फोन है। क्या हुआ? उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आपसे एक जरूरी बात करनी है सर। मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, शॉर्टकट में बताओ। आपकी कार कहाँ पर है इसका पता चल गया है सर। ये बात है, अब जाकर मेरी जान में जान आई।
किसने मेरी कार चोरी की थी? वो पुराने भंगार वाले हैं ना, वो मार्केट में जो खरीदते हैं। अच्छा, वही पुराने भंगार वाले। ओ, वहीं पर है सर। चोरी करने वाले का नाम लोपा है। मेरी गाड़ी भी ने काट कर बेच दे वो। आपकी फॉर्चूनर गाड़ी है ना सर, तो उसके पार्ट्स यहाँ नहीं खरीदेगा। वो महंगे आते हैं ना सर। वहाँ के एरिया इंस्पेक्टर को बोलो उसको तुरंत गिरफ्तार करे। सर वो लोकल इंस्पेक्टर वो भी शामिल है इसमें। ये क्या कह रहे हो? मैं डायरेक्टली एक्शन लेता हूँ। उन दोनों को अरेस्ट करवाओ जल्दी और दोनों को मेरी कैंटीन में लेकर आओ। सर क्या बात है सर, क्या चाहिए? यहाँ का मालिक कौन है? कौन है यहाँ का मालिक? सर ये रहे सर। क्या हुआ सर, क्या बात है, क्या हुआ? आपके ऊपर एक इंक्वायरी हुई है। कैसी इंक्वायरी सर? मिनिस्टर के कार के मामले में। सर अंदर बैठ कर बात करें? डायरेक्टली मिनिस्टर साहब इंक्वायरी करना चाहते हैं, साथ चलो। कमिश्नर को मैं जानता हूँ सर। जानता है? हाँ कमिश्नर को जानता है। हाँ सर, कौन से कमिश्नर से मिलना है? अरे अरे क्या कर रहा है? अरे छोड़िए। कांस्टेबल इसे गाड़ी में बिठाओ सर, जल्दी। अरे क्या करो, छोड़ो छोड़ो, अरे चल तो रहा हूँ, धक्का क्यों दे रहे हो? FIR कॉपी देता हूँ, उसे ले जाकर इंश्योरेंस क्लेम कर दो, ठीक है? ठीक है सर। सर ये FIR की कॉपी। ये लीजिए। थैंक यू सर। सर कहाँ है दोनों? अंदर है सर। ए क्या हुआ यार, फोन ही नहीं उठा रहा यार। बेटा अन्ना को आने के लिए बोलो। बच्चे लोग क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं चल रहा है भाई। बंगार वाले और इंस्पेक्टर को अरेस्ट कर लिया भाई। अच्छा, उसके बाद उन लोगों का क्या हुआ पता नहीं चला भाई। वो सब जानने के लिए कांस्टेबल को फोन किया तो फोन नहीं उठा रहा है वो। ये लो। तो इसमें जानने वाली क्या बात है? वो बंगार वाला जमानत पर छूट कर बाहर आ जाएगा, अपना धंधा चालू करेगा, और वो इंस्पेक्टर 2-4 महीने सस्पेंड रहेगा, फिर से आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। ये सब इनके लिए आम बात है यार। भाई आम लोगों का क्या होता है, उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है भाई। अभी यही सब चल रहा है। मतलब हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार गया क्या भाई? हम कुछ और नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तुम जैसे लड़के सोचेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं। मैंने देखा है ना जल्लीकट्टू को क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था ना। कभी हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है, सोचोगे तो कुछ भी कर सकते हो। चलिए सर। सर इनकी रस्सी खोल दो, तुम लोग बाहर वेट करो। ठीक है सर। जल्दी जल्दी खोलो, खोल जल्दी। खोल क्या जल्दी। सर आपने कितने मासूमों को टॉर्चर किया है, अब खुद को देखिए। ए जा रहे, आप कभी सुधरने वाले नहीं है। खोल खोल खोल। अरे बाप रे, अरे राम रे। ए इन सबको बाहर भेजो, बाहर चलो। ए जानो सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे पता नहीं था कि वो आपकी गाड़ी है। पता होता तो मैं उसे कभी नहीं खरीदता। कार किसने बेचा वो बताओ, हम उन लोगों को देख लेंगे। कार को किसने बेचा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कटिंग गणेश उस पार्टी को लेकर आया था। कटिंग गणेश कहाँ पर है वो बताओ। कटिंग गणेश को भगाने में इन्होंने मदद की थी। अच्छा तुमने भी उसके साथ कटिंग ली थी क्या? सर इन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है सर, इसने कार बेच दी है सर और मुझे उसमें शामिल करना चाहता है। इंस्पेक्टर हफ्ता लेते वक्त तो बढ़ा दे बोला करता था, अभी साहब का मामला है तो मुझे फंसाना चाहता है। इधर उधर हाथ लगाने के बजाय तूने सर पर हाथ लगा दिया है, समझा? अपना मुंह बंद रखो। तुम दोनों ने मिलकर चोरी की है और मेरे सामने दोनों नाटक कर रहे हो। साहब मुझे पता नहीं था कि वो आपकी गाड़ी है, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ। सर किस बीवी की कसम खा रहा है ये पूछिए पहले। तेरी कितनी बीवियाँ हैं? मेरी सिर्फ 3 बीवियाँ हैं सर, कभी कभी धंधे के सिलसिले में अलग अलग गाँव और शहरों में जाना पड़ता है, बाहर के होटल का खाना मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए। इसलिए हर गाँव में एक बीवी रखता है तो मारो इसको चप्पल से। हर गांव में एक बीवी रखने का शौक है तुझे? अगर ऐसा ही रहा ना तो मिनिस्टर की कार नहीं बिल गेट्स और अंबानी की गाड़ियां चोरी करनी पड़ेगी। सर आपकी गाड़ी का पैसा मैं वापस लौटा दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए सर आप। पैसे वापस दे देगा? वो तो हम बाद में देखेंगे। मेरी कार के अंदर एक सेलफोन था, वो कहां गया? क्या कहा, सेलफोन? मेरी आंखों के सामने तो पूरी गाड़ी खोली गई है लेकिन सेलफोन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्या रे, ये तो कह रहा है सेलफोन गाड़ी में ही था। मैंने कहा था ना आपसे ही सेलफोन इसी ने लिया होगा। करेक्ट, ये झूठ नहीं बोलता। हे इज्जत से मेरा सेलफोन दे दे वरना तुम दोनों की क्या हालत करूंगा मुझे खुद पता नहीं है, तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। हे तूने गाड़ी खरीद ली और सेलफोन भी ले लिया, बताया नहीं? क्या कह रहे हो साहब, साहब कसम से गाड़ी के अंदर सेलफोन नहीं था। तूने जो गाड़ी खरीदी उसका पैसा मुझे मत दे, अगर चाहिए तो मैं तुझे और पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरा सेलफोन तो दे दे। ए,
सर का सेलफोन लिया है तो दे दे उन्हें। ए, तुम चुप रहो। साहब आपका फोन कौन से मॉडल का था, मैं आपको लाकर दे दूंगा। अब तू उन्हें लेकर देगा, खरीद कर नहीं देगा क्या? सर वही तो बोल रहा है, नया मॉडल देगा। आप इसे लेटेस्ट मॉडल मांगिए। हे, मैं सेलफोन नहीं खरीद सकता क्या कि इससे मांगू? हे, फोन ऑफ कर दो। सर घर से फोन आ रहा है। अरे उधर जाकर बात करो। हे, हाँ मालिक। मुझे इंसान से जानवर मत बनाओ। थोड़ी देर के अंदर मेरा सेलफोन यहाँ मुझे चाहिए। कार्तिक का वो सेल किधर है? हाँ ये लो। ए, मुझे दे। ये क्या? ये किसका फोन है? भाई ये मिनिस्टर का फोन है, उनके कार से उठा लिया था। जरा वीडियो देखो। कैसा वीडियो? तुम वहीं रुको, वहीं रुको। ये देखो। अरे तेरी तो। अरे रुक जा, एक देख नहीं पाता दूसरा निकालता है। ये इतना गिरा हुआ इंसान है? ये सब सैंपल ही है भाई। तुम भी टाइम देख कर फोन किया करो, काटो फोन। मच्छर को फोन लगाओ। ये लीजिए भाई। हेलो, मैं कांस्टेबल सुंदर राजन बात कर रहा हूँ, आप कौन है जनाब? मेरा नंबर सेव नहीं है क्या कि मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? सुनो, मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, कॉमेडी मत करो। कौन बात कर रहा हो बताओ? मैं सीरियस और कॉमेडी के बीच बोल रहा हूँ, आईजी बोल रहा हूँ। आईजी सर, सॉरी सॉरी सर। बोलिए सर, बोलिए। मैं कोई और समझकर आपसे ऊंची आवाज में बात करने लगा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमिश्नर आ रहे हैं ना? वो मिनिस्टर के साथ खुद के कॉलेज की कैंटीन में एक छोटी सी इंक्वायरी कर रहे हैं। तुम कहाँ पर हो? मैं उनके साथ ही हूँ साहब। किसके इंक्वायरी कर रहे हो? सर अभी इंक्वायरी चल ही रही है, अपने मिनिस्टर साहब, अपने इंस्पेक्टर और वो जो भंगार वाला है, उन दोनों की इंक्वायरी कर रहे हैं। ओहो, तुम पास में ही हो क्या? नहीं सर, मेरी बीवी ने फोन किया था इसलिए मैं बात करने के लिए बाहर आ गया था। ठीक है ठीक है। अच्छा, उनको मारकर इंक्वायरी कर रहे हैं या पूछकर? कहां साहब, ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे हैं। भंगार वाले को तो बिल्कुल मार ही नहीं रहे हैं, इधर कुछ भी मनोरंजन नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर में मारेंगे, देखना। मारेंगे साहब कैसे? ये क्या यार, इंक्वायरी कुछ मनोरंजन के साथ नहीं हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है। हाँ, ए, मेरी खामोशी को तो मजाक समझ रहे हो? इज्जत से मेरा सेलफोन मुझे दे दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उस सेलफोन में मेरी इज्जत, शोहरत, मान मर्यादा सब कुछ है। अगर उसमें से एक भी क्लिपिंग बाहर निकल गई ना, तो सिर्फ मेरी राजनीति ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मालिक मुझे सेलफोन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। इनके साथ मुंह से बात करने पर ये नहीं बताएंगे, इनके मुंह पर चप्पल की बरसात करो तब ये बताएंगे। ठीक है सर। ए, ए, मारने के लिए कहा तो तुम इनके मसाज कर रहे हो। ए, सुनो, ये हा? इनकी खातिरदारी नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीमेल पार्टी को बुलाओ। ठीक है सर। ए, फीमेल पार्टी का मतलब पार्टी ऑफिस में रंगोली बनाने वाली और वोट मांगने वाली नहीं है, ये अलग तरह की फीमेल्स हैं, अभी आएंगी देखना। ठीक है, आप लोग अंदर आ जाइए। हाँ। ये लोग अपना मुँह नहीं खोल रहे हैं, इनको अपना जादू दिखाओ। जी सर। क्या रे, मुंह नहीं खोल रहा है तू? हाँ, तुझे तो अभी बता। ये और मार इसे। हाँ, चल बता, बता, बोलो ना। ये ले, ये ले। हाँ, रुक जाओ। बोलेगा? जाओ, फिर बुलाता हूँ। जाओ, आराम करो। ठीक है सर। आज तक मैंने अपनी बीवी से भी मार नहीं खाई, ये लोग इतना धोकर चले गए मुझे। आपके सेलफोन के बारे में सच में मुझे कुछ नहीं पता भाई। इस समय वो दोनों वहीं पर होंगे, है ना? उनके हाथ में मोबाइल भी होगा, अगर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें तो कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा, क्या बात है, अच्छा आइडिया है। सर इस फोन पे तो वीडियो आ रहा है, ये देखिए ना, जरा देखिए ना। अब ये जरूरी नहीं है, रख दो उधर। सर ये तो आप ही का वीडियो है। हाँ? ये तो वही वीडियो है जिसमें आपने मोना के साथ डांस किया था, इसमें तो सब कुछ है सर।
आहा, ये तो डांस ऐसे कर रही है जैसे मुझे नचा कर ही रहेगी। ए, ये तेरा फोन है? हाँ मालिक। तेरे फोन में ये वीडियो कहाँ से आया? कसम से इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरा फोन अपने गैंग वालों को देकर वीडियो वायरल करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। कौन सा वीडियो है जरा दिखाइए, मैं देख कर बताता हूँ। क्या देख कर बताएगा तू? मेरे फोन से तेरे फोन पर मैसेज करने वाला और कौन होगा? ऊपर से बोल रहा है कि पता नहीं है। ए मैडम, इनकी धुलाई करो। नहीं नहीं मालिक, नहीं कुटाई हो रही है ना? आपने जैसा बोला था भंगार वाले की तो मार मार के हालत ही खराब कर दी है। अच्छा, मार रहे हैं वो लोग। ए म्यूजिक चालू करो। अब इंस्पेक्टर को वीडियो भेजो। ये किसका फोन है? इंस्पेक्टर का फोन है सर। ये तो रेलवे स्टेशन की भिखारन जैसी लग रही है। इसके फोन में ये वीडियो कहाँ से आया? मेरे किसी दुश्मन ने भेजा होगा सर। तेरा दुश्मन है तो तेरी करतूत का वीडियो भेजना चाहिए ना। मेरा मैटर कैसे आ गया? मैडम चलो इसकी धुलाई करो। क्या रे, मुंह नहीं खोल रहा है तू? हाँ, तुझे तो अभी बता क्या कर रही है। अबे किसकी पिटाई हो रही है? इंस्पेक्टर साहब के मार मार के चमड़ी उधेड़ दी है सर। की पिटाई हो रही है। इसी जगह बैठकर यहाँ क्या हो रहा है, ये सब कैसे जान गए हैं सर? इसीलिए तू अभी तक कांस्टेबल है, बहुत जल्दी तेरा प्रमोशन करवा दूंगा। हाँ अरे छोड़ दो, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है ना तो वो फोन मुझे लाकर दे दो, नहीं तो तुम दोनों की चमड़ी उधेड़ कर उसमें भूसा भरवा दूंगा। ए दोनों को पीटो। अरे बाप रे, चलो 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 इसे मारो। अरे अरे नहीं छोड़ो। हाँ, ए, चलो नीचे उतरो। ओके सर। बालाजी भगवान से आशीर्वाद ले लो। अरे जल्दी से बाहर आओ। चलो सब लोग गाड़ी में बैठो, एक राउंड मार करके आते हैं। ठीक है सर। बेटा हम गाड़ी को राउंड मार कर आते हैं। हाँ ओके अंकल, अगर इन्हें आना है तो प्रभु को भी साथ में आना पड़ेगा ना। हाँ चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ क्या भाई? हाँ ठीक है, अभी तक इंक्वायरी चली रही है। अभी इंक्वायरी कुछ और तरीके से चल रही है। अब मिनिस्टर भी इस जंग के मैदान में उतरकर इंक्वायरी कर रहे हैं। उनके फोन पर एक मैसेज आता है, फिर मिनिस्टर देखकर घबराते हैं और इन लोगों को मारने के लिए कहते हैं। अपने आदमी फिर इन लोगों को मारते हैं, वापस एक मैसेज आता है, फिर मिनिस्टर देखते हैं, फिर टेंशन में आ जाते हैं, फिर मारने के लिए कहते हैं, फिर अपने लोग उनको मारते हैं। कहां कहां से मैसेज आ रहा है, कौन भेज रहा है, कुछ पता नहीं। अभी चार्ज उतर गया है, हॉस्पिटल में जाकर ग्लूकोज चढ़ाकर रिचार्ज करेंगे और दोबारा लेकर जाएंगे मारने के लिए। हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाना है, ठीक है ना भाई? चलो खुदा हाफिज। ये मुस्कुरा रहे हैं भाई। क्या हुआ भाई? नए नए वीडियो आ रहे हैं ना, इसीलिए दोनों को धो रही है पुलिस। भाई वो सब ठीक है, एक मेमोरी कार्ड देखते हैं जरा, उन्हें यहाँ तक तो आने दो। अरे चल चलो चल। अरे ये, अरे वो चलो अंदर चलो। वही लोग हैं, चलो खाना, चलो अंदर। हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग पैसे की ताकत और राजनीति की ताकत से हम लोग डर कर जीत नहीं पाते। ऐसे लोग हम लोगों के परिवार को चैन से जीने नहीं देते। हम लोगों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने हम लोगों को एक चांस दिया था, उसे हम लोगों ने सही तरीके से इस्तेमाल किया।